गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन क्या हाल कैसे हैं आप सब चलिए oh, और के जी एस आई एस और के जी एस सभी बच्चों का स्वागत है हम लोग करंट अफेयर्स के अपने उस सीरीज में साथ जहां पर हर दिन महीने भर के करेंट अफेयर्स को एक सिंगल क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर चर्चा करते हैं ना तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मई 2023 यानी कि मई 2023 में वो तमाम महत्वपूर्ण इवेंट्स क्या हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं और उस पर आधारित तमाम महत्वपूर्ण सवालों को एक ही क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कल मैं आपको एक कमेंट्स में पढ़ रहा था पिछली क्लास का और उस कमेंट में हमने देखा एक बच्चे का कमेंट है कि सर इतनी लंबी लंबी दो दो घंटे की क्लास मत लिया करो छोटे क्लासे लिया करो एक एक घंटे की अब पता नहीं उसने कैसे ही कमेंट कर दिया आप ये समझ करके चलो कि ये हमारा कोई डेली का करंट अफेयर्स वाला सेशन तो नहीं है कि भाई हर दिन पंद्रह या दस सवाल बीस सवाल है डिस्कस करने का अशंट ये महीने भर का करंट अफेयर्स है और जब महीने भर का करंट अफेयर्स को हम सब कंज्यूम करने जा रहे हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं निश्चित रूप से समय लगेगा लेकिन इस समय जो लग रहा है अर्ष्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरे महीने भर के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देख लेंगे और जबकि हम सब प्रयास करते हैं ज़्यादा हम लोग समय का ध्यान रखते हुए और हम लोग जल्दी से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो आप सब तो ऐसा नहीं ना चाह रहे हो कि रील्स बनवा दिया जब पंद्रह पंद्रह सेकेंड का सिविल सर्विस एग्जाम्स का स्पेरेंट होने का पहला शर्त होता है पेशेंस पेशेंस आवश्यक है अभी आपको ये दो घंटे की क्लास बहुत बड़ी लगती है आप हमारे यहाँ जब ऑफलाइन में आओगे फाउंडेशन बैच में हमारी आवश्यकता के अनुसार कभी कभी बच्चे छ छ घंटे की क्लास करते हैं आठ आठ घंटे की क्लास करते हैं मेंस के समय में बच्चे दस दस बारह बारह घंटे साथ में हमारे होते हैं और ये केवल बच्चे नहीं होते बस टीचर भी उनके साथ इंगेज होता है तो कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा प्रयास करना होता है कठिन प्रयास करना होता है ना तो इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना आपको अपने दिमाग में लाना है और सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है तो आज का जो साथियों हमारा सेशन है मई 2023 और इसमें हम लोग तमाम महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए चाहे वो यूपी पी हो या जे सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है अब तक हम लोगों ने इसमें जो करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है जो बच्चे रेगुलर होंगे उन्हें पता है दिसंबर करंट अफेयर्स कंप्लीट है नवंबर कंप्लीट हो चुका है अक्टूबर भी कंप्लीट हो गया है सितंबर भी हम सब ने कंप्लीट कर लिया है अगस्त भी हो गया है जुलाई भी हो चुका है जून भी हो चुका है ना और आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2023 के करंट अफेयर्स को और इधर से जनवरी 2024 भी हो चुका है तो आप सब इस बात का खासा ख्याल रखें कि हम लोग यहां पे अब केवल तीन मंथ्स के और करंट अफेयर्स बचे हुए हैं और जनवरी 2023 भी अगर करना है जो कि मैं अगर बोल रहा हूं आप सब चाहोगे तो जरूर करेंगे हम लोग तो टोटल हम लोग को लगभग आज के क्लास के बाद चार क्लास और हम लोग को लगेगा जिसमें पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को केवल कहने मात्र का नहीं बल्कि हम लोग हंड्रेड जो है उसमें जितने भी संभवतः अच्छे सवाल है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे मैं फिर से रिपीट करूंगा कि केवल एक कहने के लिए नहीं है हम लोग पूरे डेप्थ में इंटेंसिवली सारे सवालों को इसके अंतर्गत देखने का प्रयास कर रहे हैं ओके okay, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे पहला सवाल आपके सामने प्रश्नों को ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चलोगे और जो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ोगे तो प्रश्न का आंसर करना बिल्कुल सही हो जाएगा हाँ आप इसमें काफी अच्छा कर पाएंगे दो हजार तेईस में बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों के पुरुष युगल में स्वर्ण पदक का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है बैडमिंटन चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसे मिला है मेंस डबल के अंदर तो साथियों इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया है सा, सात्विक साई राज और चिराग सेट्टी के द्वारा है ना आ, इधर शायद एक कट रहा है क्या एक बार देख लेना तो फुल स्क्रीन आ रहा है चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक चलो तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या है इसमें सही उत्तर होगा सात्विक साई राज और चिराग सेट्टी इन्होंने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है मिन्स डबल के अंदर आगे फिर से सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों जल्दी से इसका कमेंट करोगे इंटरनेशनल लेबर डे लगभग सभी को याद हो आप इसकी जानकारी रखे होंगे कि आ, एक मई को मनाया जाता है एक मई को इंटरनेशनल लेबर डे क्योंकि 1919 में आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में ना जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है उसी के उपलक्ष्य में साथियों प्रत्येक वर्ष इस दिवस को ऑब्जर्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिस दिन लगभग सभी संस्थानों के अंदर इस बात पर चर्चा होती है कि नेशन बिल्डिंग में जो सबसे जो पहली पंक्ति में लोग हैं वो है मजदूर लेबरर ना तो उनके लिए यह दिवस समर्पित है बिल्कुल फर्स्ट ऑफ मई यहां पे हम लोग यहां करेंगे आगे फिर से सवाल कि अमेरिका में सोलर डेकॉथन कौन सा डेकॉथन सोलर डेकोथन बिल्ड चैलेंज इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी है कि बताओ सोलर डेकोथन बिल्ड चैलेंज इन यूएस आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम के द्वारा साथियों आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम के द्वारा कौन सा रैंक कौन सा स्थान इसमें हासिल किया गया तो भारतीय टीम ने साथियों इसमें दूसरा स्थान इसमें हासिल किया था शून्य टीम में हमारे आई के ग्रेजुएट्स थे जिसमें लगभग पांच सदस्य थे और इन, इस टीम ने स्टूडेंट सोलर डेकाथॉन बिल्ड चैलेंज को यहां पे किया है द वर्ड इज शून्य क्या लिखा हुआ है शून्य शून्य एक्चुअली ये शॉर्ट वर्ड में है आप इसका फुल फॉर्म भी नोट कर सकते हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर अर्बेनाइजिंग नेशन बाय इट्स यंग आस्पेरेंट हाँ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को लेकर के एक डेकाथोन था डेकाथन उसको कहते हैं आमतौर पर साथियों जहां पर किसी खास विषय पर जो विचारक है जो एक्सपर्ट है जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो उस विषय पर रिसर्चर्स हैं वो लोग अपने अपने आइडिया को एक ही मंच पे एक ही फोरम पे साझा कर रहे होते हैं तो ये डेकाथॉन किस पे हुआ है सोलर एनर्जी पे सस्टेनेबल अर्बेनाइजेशन पे और उसमें हमारी टीम ने दूसरा स्थान हमारा यहां पे हासिल कर लिया है आईटी बॉम्बे की देखो आगे फिर से सवाल कि राजनाथ सिंह के द्वारा साथियों राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के द्वारा मालदीव की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय रक्षा बलों को क्या उपहार में देंगे देखो जब भी कोई नेता कहीं विदेश विजिट करते हैं तो कुछ ना कुछ घोषणा करके आते हैं और उसमें भी अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत अच्छे संबंध रखना चाहता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि नेवर्स के साथ जो है अच्छे संबंध रहेंगे तो भारत को छोटे छोटे देशों से ज्यादा उलझना नहीं पड़ेगा तो उन्होंने वादा किया था उन्होंने वादा किया था भाई मालदीव को कि हम आपको एक तेज गति का एक गस्ती पोत देंगे और एक एक छोटा सा जल पोत देंगे ना एक वेसल सीप देंगे और एक लीडिंग क्राफ्ट देंगे ये वादा किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा वो तीन दिनों की यात्रा पर गए हुए थे मॉलदीव कहां पे गए थे मॉलदीव कितने दिनों की यात्रा पे तीन दिनों की यात्रा पे ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुछ बच्चे थोड़े लेट हो रहे हैं बट कोई नहीं जल्दी जल्दी से सवालों को हम लोग देखते चलेंगे आगे सवाल क्या है पिछड़ा फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे जल्दी से इन प्रश्नों को देखते हैं अगला सवाल क्या है उसे समझने की कोशिश करें अगला प्रश्न है कि एक मई को कौन सा राज्य अपना दिवस मनाता है देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है एक मई को फर्स्ट ऑफ मई जो है राज्य कौन सा राज्य है जो स्टेटहुड के रूप में करता है। गुजरात और कहला था। ये दोनों एक साथ क्या कहलाता था साथियों बॉम्बे 1960 में, 1960 में, 1960 में ये दो अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे और दो अलग अलग राज्य के रूप में जिस तारीख को जिस डेट को अस्तित्व में आए वह तारीख था फर्स्ट मई को कौन सी तारीख थी एक मई को एक मई को और आप सब ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा फजल अली आयोग के बारे में जो जिसके 1956 में जिसके आधार पे भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है स्टेट री एस्टेब्लिशमेंट बिल को अप्रूव किया गया था और भारत में कई सारे राज्यों का लगभग पंद्रह राज्यों का को उसको क्या किया गया था अलग से फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया था तो उसी क्रम में गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य 1960 में अस्तित्व में आए थे जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आगे फिर से सवाल है राज्य के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच में एकता को बढ़ावा देने के के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है राज्यों के बीच मतभेदों को समाप्त करना इसका मूल उद्देश्य है राज्यों के बीच के मतभेदों को समाप्त करना लड़ाई ना हो राज्यों के बीच में एक कोपरेटिव स्ट्रक्चर जो है काफी स्ट्रॉगली वो बिल्ड हो तो साथ ही उसके लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उस कार्यक्रम का नाम है एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत ना एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या नाम है साथियों उसका एक भारत श्रेष्ठ भारत है ना सभी लोग इसमें जानकारी रखेंगे आप ऐसे भी अच्छा पढ़ोगे तो भी आपको लग जाएगा कि सबका साथ सबका विकास है तो प्रधानमंत्री का एक नारा है जो अलग अलग मंचों के बेसिस पे वो दे रहे होते हैं चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या उत्तर देख रहे हैं एक राष्ट्र श्रेष्ठ भा, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका उद्देश्य है कि राज्यों के बीच के गति जो जो उनके बीच के विवाद हैं उन्हें समाप्त करना राज्यों के बीच जो है वो यूनिटी कायम करना हाँ उनके बीच में एक एकता वहाँ पे बनी रहे आगे फिर से सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसोर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर दिया है साथियों कौन सा वो क्षेत्र होगा कौन सा वह जगह है जहां पर इसका उन्होंने उद्घाटन करा है जल्दी से देखेंगे इस प्रश्न को <coughs> तो इसमें करेक्ट जानकारी हमारा दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अस्पताल का नाम क्या है इनाम भी आप नरेंद्र मोदी नाम से जोड़ सकते हैं नमो नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है भाई दमन एंड दीव में ना तो इसका भी इनोग्रेशन हुआ है मई तेईस के अंदर और इसका उन्हें किसने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओके okay. चलो सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं इन प्रश्नों को ढंग से देखना है सेंट्रल बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी का नाम बताइए साथियों आप सबको याद होगा कि थोड़े दिन पहले आरबीआई ने रिजर्व बैंक ने अपना डिजिटल करेंसी जारी किया अब जिन बच्चों को पता हो जरूर कमेंट करके मैं बताना डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया इशू किया और उस डिजिटल करेंसी का एक्सेप्ट करने का कार्य वह कौन सी बीमा कंपनी ने जिसने भारत के अंदर शुरू किया सबसे पहली बार सबसे पहली बार किसने इसको स्वीकार करने का काम प्रारंभ किया है बिल्कुल सही बात है इसमें से कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या रहेगा साथियों रिलायंस जनरल और रिलायंस जनरल कंपनी के द्वारा रिलायंस जनरल कंपनी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसको पहली बार जो है उसको स्वीकृति दी गई है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है बीमा के लिए है ना यानी कि आपने अगर खरीदा है तो आप उसको विद्रॉल कर सकते हैं इंश्योरेंस को परचेज करने के लिए है ना चलो बहुत अच्छा न्यू स्टूडेंट हैं पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोग बने रहो सेशन में सारे अपने ही बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है किसे भारतीय जीवन बीमा निगम किसे एल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों नए अध्यक्ष एल में नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है एल के अंदर नए अध्यक्ष के तौर पे सिद्धार्थ मोहंती क्या नाम है इनका क्या नाम है तो सिद्धार्थ मोहंती क्या नाम है इनका सिद्धार्थ मोहंती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ना जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी देखो इंश्योरेंस ना दो तरह का होता है आपने इस चीज की जानकारी रखनी है एक होता है साथियों लाइफ इंश्योरेंस एक होता है जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस होता है लाइफ के लिए जीवन के लिए और जनरल इंश्योरेंस किसके लिए होता है भाई अन्य सभी चीजों के लिए आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन का भी इंश्योरेंस होता है दुकान का भी होता है मकान का भी होता है गाड़ियों का भी होता है वो सब जनरल इंश्योरेंस है तो भारत में पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में ऑब्वियसली एल आई सी है हाँ कई हजार करोड़ का इसका नेटवर्थ है इसका मूल्य है आगे फिर से सवाल किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला जिसका नाम है साथियों मातानी पछेड़ी को जी आई टैग प्रदान किया गया है कौन सा टैग मिला है जी आई टैग प्राप्त हुआ है साथियों <coughs> मातानी पछेड़ी तो देखो नाम से थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया आपको लग रहा हो तो अच्छी बात है नहीं लग रहा हो एक बेसिकली एक प्रकार का वस्त्र है और यह गुजरात में एक परंपरागत जो है वहां के लिए उसके इस वस्त्र का वहां पे प्रयोग होता है प्राचीन वस्त्र है माता नी पछेड़ी कहां पे इसका ज्यादा चलन है साथियों गुजरात में कहां पर गुजरात में और गुजरात में इस वस्त्र को उन्हें जीआई टैग मिला है कौन सा टैग है जीआई टैग ध्यान से समझेंगे जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है हा? जैसे बिहार के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं खुरमा खुरमा कहाँ पे मिलता है भाई आरा में मिलता है फेमस है वो जैसे बोलते जरदालू आम कहां मिलता है भागलपुर में मिलता है अगर बोलते हैं कतरली राइस भागलपुर के क्षेत्र में ज्यादा होता है मिर्चा धान चंपारण क्षेत्र में होता है तो इस तरह से क्या अब बिहार में होता है मोटे तौर पे बोलो तो बिहार में होता है तो जीआई टैग टैक्स दस वर्षो के लिए दिया जाता है भारत में वाणिज्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एंड ट्रेड जो है उसके द्वारा दिया जाता है और फिर उसको रिन्यू किया जा सकता है उस स्टेट के द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है जैसे बिहार अभी बहुत सारी चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है है ना जिसमें से एक फेमस हमारा है खुरमा इत्यादि के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, हुआ है जब अप्रूव होगा तो फिर उसको हम लोग पे पढ़ लेंगे आगे सवाल है दुनिया में दसवें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं साथियों बिकम द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय पुरुष का नाम है अर्जुन वाजपेयी क्या नाम है साथियों अर्जुन वाजपेयी अर्जुन वाजपेयी जो दुनिया के दसवें सबसे ऊंचे सबसे ऊंचा तो हमारा माउंट एवरेस्ट है लेकिन माउंट एवरेस्ट की तुलना में वो दसवें नंबर पे आता है बाकी वर्ल्ड लेवल पे तो उस पर अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में चढ़ाई करा है और अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है तो साथियों सब ने जानकारी रखोगे ये तो आप पढ़े ही होंगे क्लास सिक्स के अंदर आता है एनसीआर में नेपाल में स्थित है कहाँ पे स्थित है बच्चा नेपाल में नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत है और उस पर इन्होंने हाल में क्लाइम करा है उस पर इन्होंने चढ़ाई करी है इसको भी हम लोगों ने समझ लिया क्या बात है आगे फिर से सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बारह हजार रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज का नाम बताओ दूसरा सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज का नाम बताओ देखो तो इसमें से एशियाई बल्लेबाज कौन दिख रहा है आपको केवल सवाल को देखना है फिर आप इसको उत्तर यहाँ पे कर देंगे और क्रिकेट में रुचि लेने वाले बच्चों के लिए मुझे जहाँ तक पता है कि ये सब सवाल जो है वो एकदम से फुल टॉस है फुल टॉस समझते हो ना कि बॉलर के द्वारा फेंका गया ऐसा बॉल जो डायरेक्ट बैट पे आए और उसको सीधा छक्का मार दो उठा के है ना और बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो नौ बॉल था आउट भी नहीं होना था बिल्कुल करेक्ट है तो साथियों पर बाबर आजम करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर आजम पाकिस्तान ना कहा के हैं पाकिस्तान के और बाबर आजम जो है वो बन गए हैं दूसरे प्लेयर तो पहला प्लेयर कौन है भी तो पहला प्लेयर हमारे हैं विराट कोहली साहब पहला प्लेयर कौन है सबसे तेज शतक लगाने वाला कोहली है ना स्टूडेंट कोहली विराट कोहली युवा क्रिकेटर और भारत के लिए बहुत शानदार क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री ने इफको द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो लॉन्च किया है कौन सा डीएपी है नैनो डी लॉन्च किया है तो आपको बताना है कि ये नैनो डी किसने लॉन्च किया है देखिए जो फर्टिलाइजर इत्यादि आता है ना स्टूडेंट ये सब सहकारिता के क्षेत्र में आता है ये सब किस क्षेत्र में आएगा

इफको कार्यालय न्यू डेली से स्थान अगर पूछे कहाँ से लॉन्च हुआ आमतौर तो पर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो नैनो डी ए पी कहाँ से लॉन्च हुआ स्टूडेंट दिल्ली से लॉन्च हुआ है और आपने कुछ दिन पहले एग्जाम्स के अंदर देखा होगा इवन बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि नैनो यूरिया नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है आपने सुना होगा हमने क्या कर दिया भाई कि जो पहले आता था वो सॉलिड फॉर्म में आता था यूरिया ना उसको भारत ने दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया जिसने लिक्विड फॉर्म में बना दिया अब मतलब 25 के का मान लो एक एक थैला के जगह आप हाफ लीटर अगर लेकर के यूरिया चले जाओ बोतल के अंदर तो उसी से आपका काम बन जाएगा बिल्कुल तो उसको भी भारत ने ही बनाया है यह भी हमें यहाँ पे जानकारी रखना आगे फिर से सवाल है कि किस सरकारी निकाय के द्वारा सी एस आर इस वर्ड पे हम लोग थोड़ी चर्चा भी करेंगे सी एस कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है तो साथियों संस्था का नाम क्या है पीजीसीआईएल क्या नाम है उसका पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन सा अवार्ड मिला है सी एस आई आर सॉरी सी एस आई आर नहीं सी एस आर सी एस आर का मतलब हुआ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना क्या होता है एकदम शॉर्टकट में अगर समझोगे बीपीएससी के अंदर सवाल आया हुआ है सीएसआर क्या होता है उससे संबंधित तो बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करना है अब सुने ध्यान से सी एस आर मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उद्योग धंधा कार्य करता है तो समाज पर दो तरह का प्रभाव डालता है और उस दोनों प्रभाव को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं बाह्यता कहते हैं समाज ने उसके बदले कुछ पे नहीं किया है लेकिन उसने इम्पैक्ट उस पर कर दिया किसी उद्योग का सकारात्मक प्रभाव समाज पे अच्छा माना जाएगा पॉजिटिव इफेक्ट अगर समाज को पड़ा इट्स गुड मान लो किसी जगह पे एक नया उद्योग लगा आसपास के लोगों को रोजगार मिला उसकी लोकैलिटी को एक पहचान मिली ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ था लेकिन उस उद्योग के लगने से आसपास के क्षेत्रों को नुकसान होता है कभी कभी उससे बहुत सारे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होते हैं तो उद्योगों के द्वारा जो समाज को नुकसान पहुँचाया जाता है उसकी भरपाई कैसे होगी तो इसके लिए भारत में कानून है जिसको कहते हैं सी एस का प्रोविजन्स हैं अब ये सी क्या होता है तो आपने पढ़ोगे कि अमेंडमेंट बिल था इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट बिल 2013 का जिसमें नियम बनाया गया है कि हर कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत मान लो एक कंपनी अगर सौ तो रुपया कमा रही है हंड्रेड रुपीज तो हंड्रेड रुपीज में उसे दो रुपया जो है वो समाज पर खर्च करना है वो किस पे खर्च करना है समाज पे और ये दो रुपये में वो कुछ भी कर सकते हैं शिक्षा स्वास्थ्य सड़कों के निर्माण ट्रांसपोर्टेशन uh, इत्यादि पे वो खर्च कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट कार्य किसने किया है पीजीसीआईएल ने और इस कार्य के बदले इसे प्राप्त हुआ है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड इसे प्राप्त हुआ है पीजीसीआईएल आगे पुनः सवाल है नई दिल्ली में दिल्ली हार्ट में अपनी तरह का पहला बाजार अनुभव केंद्र मार्केट एक्सपीरियंस सेंटर किसने लॉन्च कर दिया है बाजार अनुभव केंद्र किसने लॉन्च किया है देखो इसे लॉन्च करने का कार्य किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा है ना अब तोमर साहब तो वहां नहीं रहे अब वापस इनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया है और अगर मैं सही हूं तो मध्य प्रदेश में शायद इनको स्पीकर बनाया गया है ना विधानसभा का अध्यक्ष ना बनाया गया है वहाँ पे इनको स्पीकर का पद इन्हें मिला है अब इन्हें वापस भेज अभी तो अर्जुन मुंडा बन गए कृषि मंत्री तो दोस्तें बाजरा अनुभव सॉरी बाजार हमने बोल दिया था बाजरा होगा हाँ बाजरा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर तो एक कृषि क्षेत्र से आ रहा है और उसको लेकर के अच्छा ये बाजरा का ही क्यों क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ष 2023 को ईयर 2023 को घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईयर ऑफ मिलेट्स बाजरा का वर्ष तो भारत में कृषि मंत्रालय ने इसको खूब प्रमोट किया ताकि बाजरा का बाजार भी बढ़े और बाजरा का उपभोग भी बढ़े लोगों के यहाँ स्वास्थ्य जैसी चीजों के अंदर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है प्रश्नों को ध्यान से देखोगे तो बनता चला जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के नए एम डी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है बैंक ऑफ इंडिया तो साथियों रजनीश कर्नाटक यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर होंगे नाम में कर्नाटक है तो कुछ अलग से नहीं टाइटल होता है कई एक बहुत सारे समुदाय के अंदर इस सब का प्रयोग होता है बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंदन के तेलुगु एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा चुका है किसे यहाँ पे सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से <coughs> चलिए तो स्टूडेंट इसमें हम लोग देखेंगे रघुराम राम सेट्टी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया हु लॉन्च दिस बुक रिफ्लेक्शंस इस पुस्तक को लॉन्च करने का कार्य किसने किया है तो साथियों रिफ्लेक्शंस को लॉन्च किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पुस्तक एग्जाम के अंदर आ चुका है तो ध्यान से इसको पढ़ोगे हाँ आगे फिर से सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है साथियों जैज दिवस हाँ अब इसमें से एक और आपके मन में सवाल होगा कि ये जैज डे होता क्या है है ना तो देखो जैज डे दे क्या होता है इस लगभग लगभग लोगों को बिल्कुल अच्छे से जानकारी होगा हो, आप में से कई बच्चे होंगे जो म्यूजिक बहुत पसंद करते होंगे इवन लगभग सारे बच्चे करते हैं तो जो म्यूजिक पसंद करते हैं उन्हें पता होगा कि जैज जो है वो संगीत को सुनने का एक्सपीरियंस करने का जो है एक टेक्निक है एक तकनीक है जैज हाँ उसमें आता है सेटिंग करने का अगर आप वॉइस को सेट करते होंगे तो इक्विलाइजर होता है ना कि जैसे साउंड में अगर आपको क्या बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में संगीत प्रेमी जो है म्यूजिक लवर जो है उनके लिए है ये आगे फिर से सवाल डॉक्टर एन गोपाल कृष्णा क्रिष्न, कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया है तो वो कौन थे एल गोपाल कृष्णन कौन थे तो साथियों एल गोपाल कृष्णन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जाने माने फेमस साइंटिस्ट थे और इनका हाल में निधन हुआ है पुनः सवाल क्या है कि, कि किस राज्य के हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट क्षेत्र में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो साथियों वह राज्य है राजस्थान क्षेत्र क्या है ध्यान से समझेंगे रियल एस्टेट क्षेत्र में किस क्षेत्र में साथियों रियल एस्टेट क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है आगे फिर प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब रेस गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली पहली भारतीय करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं इनमें से अभिलाष टॉमी या संदीप फाफड़ा जगदीश वर्मा या फिर इनमें से सब सभी नामों में से देखना कि हमें सही जानकारी क्या है <coughs> तो इसमें साथ नाम हो जाएगा अभिलाष टोलमी अभिलाष टोलमी ये पहले भारतीय हो गए हैं जिसने वी कैन द फर्स्ट इंडियन ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिसने कंप्लीट किया है प्रेस्टिजियस गोल्डन रेस ये कौन सा रेस है साथियों गोल्डन ग्लोब रेस इसमें दुनिया भर के लोग इसमें शामिल होते हैं और भारत के लिए बड़ा गौरव का बात है ये कि भाई पहली बार समझ लो कि पूरे भारत में पूरे इंडिया लेवल पर कोई व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर करके और यहां पे चैंपियन हो रहा है जीत दर्ज कर रहा है चलिए आगे फिर बढ़ते हैं आगे सवाल होगा कि चैट जीपीटी चैट जीपीटी ऑल्टमैन का नाम कल हम लोगों ने चर्चा किया था ओपन एआई के द्वारा बनाया गया था कि आ, चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट ए आई हाल में इसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए <laughs> देखो चैट जीपीटी यूएस बेस्ड है ना ओपन एआई कंपनी ने इसे बनाया है ओपन एआई इस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था कंपनी का नाम है और गीगा चैट को लॉन्च कर दिया है रसिया ने <laughs> किसने लॉन्च कर दिया रसिया ने रसिया ने इसे इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि भाई रसिया को है कि कॉम्पिटिशन देना है भाई ये कैसे वो लीड करेगा यूएस अगर वो लीड कर रहा है किसी पार्टिकुलर सेक्टर में अभी चैट एआई ए की काफी चर्चा हो रही थी तो अगर वो किसी पार्टिकुलर सेक्टर में लीड कर रहा है तो भाई हम भी अपना एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाएंगे एक ही सेक्टर के अंदर तो यहां पे हम लोग रसिया को देख रहे हैं आगे फिर सवाल है कि यूके में यूके यूनाइटेड किंगडम में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने इस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है तो साथियों चेन्नई मेट्रो को किसे काफी पॉपुलर न्यूज है भारत में ग्रीन वर्ल्ड से किसे सम्मानित किया गया तो चेन्नई मेट्रो हाल ही में शुरू हुआ है ज्यादा दिन इसमें हुए नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शासित प्रदेश ने सिंथन स्नो फेस्टिवल आयोजित किया गया है <coughs> उसमें आपको देखना है राज्य हो सकता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो सकता है तो साथियों ये जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है स्नो वर्ड जैसे ही आया तो ऑब्वियसली हम लोग इधर ये सब तो हटा ही देंगे जम्मू कश्मीर यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए लद्दाख का भी नाम लिखा जाता है तो आप उसमें ध्यान से समझोगे स्नो फेस्टिवल है नाम क्या है साथियों सिंथन तो सिंथन कहाँ पे हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस राज्य को हुडको अवार्ड से सम्मानित किया गया है हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत है ना किस राज्य को <coughs> महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश या किसे इसमें सम्मानित किया गया है देखिए इसमें सम्मानित किया गया है यूपी को है ना किसे सम्मानित किया गया भी? यूपी को सम्मानित किया गया है अवार्ड से किस क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में है ना स्वच्छता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जिसमें भारत में शहरों को हमें आ, शहरों को गांव को दोनों तो ये शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग हाँ ध्यान से समझेंगे या शहरी क्षेत्र की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यूपी करेक्ट आंसर हो गया आगे फिर सवाल है कि, कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन आ चुका है एग्जाम के अंदर ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्योंकि इसमें अच्छी बात हम लोग मई देखोगे नंबर ऑफ के करंटर्स पे आपको मिलेगा जो अलग अलग परीक्षाओं के अंदर आपको ऑलरेडी दिखेगा ये सारा सवाल बताइए कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुरस्कार साथियों किसे प्राप्त हुआ है बहुत किसने इसे लॉन्च किया है तो जाने माने लेखक फेमस पर्सनैलिटी शशि शेखर के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है तो इसको उन्होंने लिखा भी है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है आगे सवाल है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है तो टूना दिवस आते दो मई को मनाया जाता है टूना क्या है टूना एक प्रकार का मछली है क्या है फीस का एक प्रजाति है नाम है हाँ बिल्कुल <coughs> हाल ही में घोल मछली चर्चा में रहा था घोल मछली का नाम है घोल तो यह भी सवाल हो सकता था घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा किसने दिया है साथियों सबने देखा है गुजरात सरकार के द्वारा किसके द्वारा इसे दिया गया है भाई गुजरात सरकार ने इसे घोल मछली को राज्य का मछली का यहाँ पे दर्जा दिया था आगे फिर सवाल है कि, कि किसे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 उसमें इन्होंने जीत दर्ज किया है तो साथियों उसका नाम है सरजिया पैरोज क्या नाम है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स कार रेस होता है जिसमें जीत दर्ज किया है जिसमें जीत दर्ज किया है भाई उसका नाम है सरजिया पैरोज क्या बात है आगे सवाल होगा इस आई ने इस आई ने अंत विषय साइबर भौतिकी प्रणाली है ना <coughs> विषय क्या है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम एनएम आई पर राष्ट्रीय मिशन तह, के तहत साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है साइबर सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किसके द्वारा यहां पे <coughs> तो साथ ही उसका नाम है आईआईटी कानपुर विषय क्या है ध्यान से समझेंगे साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम अभी के समय में पहले चोरी होता था फिजिकल एसेट्स का ना अभी चोरी कैसे होता है अभी तो अभी चोरी होता है इंटरनेट के माध्यम से और भारत जैसे जैसे इंडिया में लगभग अस्सी करोड़ समझ लो इंटरनेट यूज मोबाइल यूजर्स हैं और उसके तुलना में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हम लोग को ये मुद्दा के तौर पर यहां पे दिखता है कि भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के काफी काम होना है जिसमें भी आईआईटी कानपुर एक प्रोग्राम चला रहा है बहुत अच्छा चलिए आगे फिर से सवाल होगा आगे सवाल क्या है अगला सवाल है कि भारत और कौन सा देश भारत और कौन सा देश ने हाल ही में मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं कौन से देश है जो मिलकर के इसको क्रिएट करेगा नेट जीरो इनोवेशन सेंटर तो साथियों ये ये विकसित किया जाएगा यूके और भारत के द्वारा किसके द्वारा यूके एंड भारत के द्वारा और इसमें क्या हम लोग को याद जानकारी रखना है कि यह काम करेगा हाइड्रोजन डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर कंसेप्ट क्या रहेगा ये वर्ड यूज हुआ एग्जाम में इसलिए वर्ड यूज करें हम लोग हाइड्रोजन डीकार्बोनाइजेशन के कंसेप्ट पे साइंटिफिक विचार पे जो है ये कार्य करेगा हाँ और नेट जीरो वर्चुअल सेंटर वर्चुअल है जाहिर सी बात है इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कोई शहर कोई स्थान तो एक लाइन में हम लोग को क्या जानकारी रखना है कि यह वर्चुअल सेंटर नेट जीरो भारत ने 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 और यूके दोनों मिलकर के वर्चुअलिश करने का यहाँ पे फैसला लिया है तो हम लोग इसको आंसर करेंगे सी आगे सवाल है कि बताओ मुंबई में इंडियन मर्चेंट्स चेंबर द्वारा आयोजित इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस दो को किसने संबोधित किया है मर्चेंट्स देश के व्यापारियों का समूह नाम सी लग रहा है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री भारत सरकार में वाणिज्य मंत्री जो है जाहिर सी बात है वाणिज्य कॉमर्स से संबंधित कॉमर्स मिनिस्टर ही जाएंगे वहां पे तो उनके द्वारा पीयूष गोयल के द्वारा साथियों यहाँ पे उनको इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पे उनको संबोधित करने का मौका मिला है आगे सवाल है कि किस राज्य सरकार ने तीन दिवसीय विरासत उत्सव का उद्घाटन किया है जिसमें तटीय राज्य के कला के रूप नृत्य व्यंजनों का प्रदर्शन होगा बताओ <coughs> भारत में जल्दी से यहां पे समझेंगे हाँ कौन इसका ये काम कर रहा है? क्या बात है वेरी गुड कुछ लोगों का उत्तर इसमें करेक्ट आ रहा है गौरव गुड़िया स्मृति सनी लक्ष्मी ग्रेट ए के सी काजल क्या बात है हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सवालों को अच्छे से देखना है समय पे है ना क्या होगा इसमें सही उत्तर देखो एक नाम केवल यहाँ गड़बड़ दिया है बाकी सब तटीय राज्य है तो इसमें सही उत्तर क्या होगा गोवा गोवा यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा गोवा जिसने भी किया सबका सही है और जो यहां सही करेगा वही गोवा जा पाएगा जो यहाँ सही नहीं करेगा गोवा नहीं जा पाएगा <laughs> समझ रहे हो ना अच्छा गोवा जाना मजबूरी है नहीं हम लोग इधर घूमने फिरने का गांधी मैदान छोड़ के पटना के अंदर कुछ है ही नहीं ज्यादा खुश हो तो गांधी मैदान <laughs> तो हाँ हाँ समझ लो ना चलिए तो गोवा यहाँ पे अच्छा वहां पे एक फेस्टिवल होता है साओ पाओ फेस्टिवल का नाम है जो विंट मॉनसून के समय होता है पहली बारिश के समय बिल्कुल तो गोवा के लिए गोवा वाले सवाल को यहाँ पे सही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और ट्रैक्टर एंड मैकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कृषि मशीनीकरण प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है यह उद्घाटन किसने किया है आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रैक्टर की बात हुई है कृषि की बात हुई है ट्रैक्टर की बात हुई है कृषि की बात हुई है तो ट्रैक्टर बोले कृषि बोले उस समय मंत्री कौन थे भाई उस समय मंत्री थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तो आंसर हमारा हो गया ए आगे फिर से सवाल कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 100 वाट की क्षमता के इक्यानबे 91 वन एफ ट्रांसमीटर का आ, को कमीशन किया है मतलब वो वहां पे स्टार्ट हुआ है <coughs> पहले वो वहां पे स्टार्ट नहीं था इस प्रकार की सेवाएं वहां पे नहीं थी कहाँ पे शुरू हुआ इसमें तो आसाम के अंदर आगे फिर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया एस एस में ए एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है एडीबी से सबसे ज्यादा लोन लेने वाला सबसे ज्यादा ऋण प्राप्त करने वाला कौन है देखो आपको एक आंकड़ा दूंगा और आंकड़ा को देखना है नोट करना है चालीस देशों ने फोर्टी कंट्रीज चालीस देश ने एडीबी से जो लोन प्राप्त किया है कर्ज लिया है वह है थर्टी वन पॉइंट थर्टी वन पॉइंट एट बिलियन ठीक है और पाकिस्तान अकेले यहां से समझोगे पाकिस्तान अकेले जो लोन प्राप्त किया है ऋण प्राप्त किया है इससे वह अमाउंट है फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव एट बिलियन सोच लो तो बताओ सबसे ज्यादा ऋण किसने लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा ऋण किसने लिया है है ना स्टूडेंट इसकी स्थापना 1966 सदस्य कितने हैं 68 भारत मेंबर है इसका मनीला फिलिपींस का हेडक्वार्टर है तो सबसे अधिक एडीबी से एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले देश का नाम है पाकिस्तान है ना और पाकिस्तान की स्थिति आप सबने सुना हाल में न्यूज जरूर पढ़ाई होंगे आपने वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां की जनता भी समझ लो अलग ही लेवल की है किसी एक पार्टी को वहां पे मैंडेट नहीं मिला है तीन चार पार्टी को सीट बांट के दे दिया है <laughs> सबको नब्बे नब्बे सीट दे दिया है अच्छा जो तीन पार्टी है ना वो तीनों तीन दिशा की पार्टी है कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है और वहां सरकार कैसे स्टैब्लिश होगा उसको लेकर के वापस में चीजें गड़बड़ चल रही हैं आगे फिर से सवाल कि दो यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लिपा जिग पुरस्कार जो है किसे दिया गया है <laughs> लिप्जिक अवार्ड किसे दिया गया साथ में लिपजिक अवार्ड यूरोपीय समझ के लिए हाँ वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए उस पर काम करने वाले लोगों के लिए इसकी शुरुआत हुई है <coughs> देखिए तो नाम उनका है मारिया अस्टेपेनोवा क्या नाम है अभी मारिया स्टेपेनोवा और इन्होंने यूरोपियन विचारों पे यूरोपियन थाउट्स को लेकर के इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है जिस कारण से इन्हें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन्हें सम्मानित किया गया है आगे सवाल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है <coughs> देखो आयुष्मान भारत दिवस अस्मिन थर्टीथ अप्रैल को मनाया जाता है वजह क्या है इसके पीछे तो वजह बड़ा क्लियर है कि भारत में आयुष्मान भारत जो योजना प्रारंभ हुआ था वो इसी तारीख को 30 अप्रैल 2018 में प्रारंभ हुआ था और आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए जो है वहाँ पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा उन्हें प्रदान होता है ना प्राप्त होता है कितने का भी पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा अच्छा इसमें नियम है इस बीमा को केवल बीपीएल वाले जो है वो प्राप्त कर सकते हैं ना इसमें क्या होगा बीपीएल वाले अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा भी सुधार हुआ पहले क्या होता था कि डायरेक्ट अस्पताल में जाओ आपको सीधा इसका लाभ होता था अब इसमें नियम है पहले सरकारी अस्पताल में जाइए सरकारी अस्पताल वाले रेफर करेंगे अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तभी आपका वो वाला वैलिड होगा नहीं तो पहले क्या था कि आप सीधा प्राइवेट में चले जाओ जो इस योजना के तहत में शामिल किए गए हैं तो सही जानकारी हो गई अगला सवाल क्या है किस लघु वित्त बैंक ने अनाज वाणिज्य मंच आर ए जी एक फोरम है जिसका नाम है आर ए जी के साथ छोटे किसानों को गोदाम रसीद के बदले वित्त पोषण प्रदान करने के लिए समझौते किए हैं किसानों को उनके आ, बिल्कुल तो यहाँ पे वो बैंक कौन सा है तो उस बैंक का नाम है शिवालिक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना क्या नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम क्या है इसको इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो किसान क्या करता है अभी वेयर हाउसेज में अपने अनाज को जमा करता है अब मान लो आपने 20 क्विंटल गेहूं जमा किया उसके बदले रिसीट मिलेगा तो उस रिसीट के आधार पे आप लोन प्राप्त कर सकते हैं मान लो हमने पचास हज़ार का अगर अनाज हमने स्टोर में रखा हुआ है और हमें बीस हज़ार पैसे की ज़रूरत है तो वो रसीद बैंक के पास ले जाइए ऑन द बिहाफ ऑफ रिसीट उस रिसीट को जो है एक कोलेट्रल के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा और उसके आधार पर जो है आपको इसका लाभ देगा तो नाम क्या चाहते हो बैंक का शिवालिक स्मॉल फाइनेंस यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर विज्ञान ट्वेंटी एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक शब्द पे ध्यान देना है विज्ञान ट्वेंटी नाम क्या चाहते हो यहाँ पे साइंस ट्वेंटी एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह शुरू हुआ है कहां पर यह प्रोग्राम साथ यहाँ पे प्रारंभ हुआ है तो इसकी शुरुआत हुई है लक्ष्य द्वीप के अंदर कहाँ पे शुरू हुआ है लक्ष्य द्वीप में कौन सा बैठक है साइंस ट्वेंटी ना के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है जी ट्वेंटी वाले मुद्दे के अंतर्गत तो ये यूनिवर्सल हेल्थ के लिए है संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर के एक चर्चा यहां पे हुआ है आगे सवाल है भारत द्वारा हीट इंडेक्स लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है <coughs> पूछा जा रहा है कि वॉट इज द पर्पज ऑफ इंडिया लॉन्चिंग इट्स हीट इंडेक्स भारत ने हीट इंडेक्स लॉन्च किया इसका उद्देश्य क्या है निश्चित रूप से इसका उद्देश्य है साथियों कि विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट को उत्पन्न करना क्या करना है यहाँ पे कि विशिष्ट अलग अलग जगहों पे हीट आधारित अलर्ट जारी करना अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पर औसत तापमान सबसे अधिक हो गया है सत्रह डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया तो हीट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है तो भारत ने उसके लिए जारी किया है हीट इंडेक्स क्या इंडेक्स है इसमें हीट इंडेक्स और हीट इंडेक्स के अंदर जो है वो अलग अलग स्थानों में उसकी स्पेसिफिक प्लेस के अंदर क्या तापमान है क्या उसका हीट का उसका डेटा है उसको यहां पे पब्लिश किया जाएगा उस खतरे को उस पे अलर्ट यहाँ पे जारी करेंगे आगे सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है क्या बात है एक एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट बिल्कुल सही आएगा यूनाइटेड नेशन ने 2023 को क्या घोषित किया था चलिए तो बाजरे का वर्ष घोषित किया था सिमली पाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ एक दुर्लभ मेलांस्टिक बाघ मृत पाया गया है पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है साथियों शिमली पाल कहाँ पे ओडिशा में और पता ये बाघ कैसे मृत हुआ है <laughs> बाघ के बारे में ये वापस में लड़के मर गए हैं समझ लो ये जो बाघ है ऐसा वहां पे रिपोर्ट आ गई तो वापस में लड़ झगड़ करके वापस में लोग मर गया तो समझ लीजिए कि बाघ जो है बाघ में ही लड़के मर जा रहा है ये वैसे ही तो हम लोग को लगा कि केवल इंसानों के अंदर ऐसा होता है क्या बिल्कुल भी नहीं इंसानों के अलावा जो है वो एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है अच्छा इंसान जो है वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है ना कई लोग जो है वो अंदर अंदर से लड़ेगा आपको मुंह पे नहीं लड़ेगा तो ये दोनों जो टाइगर है टाइगर वहाँ पे अच्छा ये एक पहली घटना नहीं है बहुत सारे टाइगर्स जो थे वो आपस के अंदर वहाँ पे इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे थे तो ओडिशा में है सिमली पाल अलग अलग वजहों से खबरों में रहता है कुछ दिन पहले आग यहीं पर लग गई थी ना फॉरेस्ट फायर जंगली आग लगा था आगे फिर सवाल होगा कि जेल में बंद किस देश के तीन महिला पत्रकारों ने तीन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का किताब अपने नाम कर लिया है स्टूडेंट ईरान करेक्ट आंसर है वहां पर ईरान में हिजाब का मुद्दा जो है वो च, आ, काफी गरमाया हुआ था और हिजाब का मुद्दा जो है वो काफी तेजी से चल रहा था आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा कि आ, जो ईरान देश है वहां कॉस्ट मतलब आप क्या कपड़े पहनोगे वो भी तय करने वाला मंत्रालय होता है और उसके लिए अलग से पुलिस होते हैं कॉस्ट्यूम पुलिस होगा अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कॉस्ट्यूम मिनिस्ट्री या जो उसके डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आने वाले इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप आउटफिट्स नहीं रखते हो तो आपको उस पर सजा होगा और पुलिस वालों ने एक महिला के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया था जो फिर वो उस महिला ने उसको लेकर के काफी वहाँ पे आंदोलन हुआ और उसी को आधार बनाते हुए पत्रकारों ने उस मुद्दे को उठाया था और इसके लिए उन्हें मिला है यूनाइटेड नेशंस का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ना तो ये पुरस्कार कहाँ के लिए भी ईरान के लिए तीन महिलाओं को उसमें प्राप्त हुआ है किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह को जीत लिया है लोग अब वहां पे संविधान को दोबारा से लिखा जाएगा और उसको लेकर के उन्होंने जनमत संग्रह को वहां पे जीत लिया है तो वह देश है उज्बेकिस्तान। इसने जनमत संग्रह हुआ था रेफरेंडम हुआ जिसमें बासठ प्रतिशत लोगों ने सिक्सटी टू परसेंट लोगों ने यहाँ पे बोला कि हाँ भाई ऐसा करो चलिए इंडिया में ऐसा नहीं है क्या इंडिया में भी होना चाहिए <laughs> कॉस्ट्यूम डिजाइन क्या क्या पहनोगे बताया जाएगा इंडिया में लोगों का ऐसा नहीं है इंडिया कुछ भी पहन लो है ना इंडिया के अंदर क्या है हम लोग खूब आज़ाद है आर्टिकल नाइनटीन वन का ए राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच भाई मुझे अगर मन करे कि मान लो ऊपर में कुर्ता पहनना है और नीचे में जीन्स पहनना है या नीचे में जीन्स पहनना है और ऊपर में आपको कोई मना नहीं करेगा हाँ आप क्या करोगे कि आप इंडिया के अंदर कुछ भी पहन सकते हो चलिए तो सवाल पे आओ हम लोग इस मामले में काफी लकी है हमारा संविधान काफी अधिकार हमें प्रदान करता है इस भारतीय विद्वान को ब्रिटेन का मानद मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है उस भारतीय का नाम क्या है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है <coughs> बताइए तो साथ ही उनका नाम है डॉक्टर एम एन नंद कुमार नाम क्या है इनका डॉक्टर एम एन नंद कुमार उन्हें एक्सलेंट अवार्ड मिला है द ब्रिटिश एम्पायर हाँ उसके द्वारा इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया है बिल्कुल चलिए तो ग्रेट आगे फिर से सवाल क्या है स्टूडेंट कौन जनजाति अभी क्या कमेंट तुम लोग कर रहे हो चलिए बातों को पकड़ना नहीं है आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी से आगे सवाल क्या है कौंद जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि कौंद जनजाति द्वारा बिहान मेला किस राज्य में हुआ है कौंद कहां की जनजाति है ट्राइब्स है क्या कर दिया अच्छा चलिए कौंद कहां की जनजाति है जहां पर बिहान मेला हुआ है कौंद कौंद कहां पे है देखिए कौंद मतलब कौंद मतलब कौंद हा साथियों यहां पे कौंद जो है ओडिशा का एक ट्राइब्स ग्रुप है और उसने वहाँ पे बिहान मेला का आयोजन हुआ है ठीक है तो कहाँ का कौन ट्राइब्स कहाँ का है भाई इस तरह के कई सारे आयोजन हम लोग को इधर देखने को मिलता है निम्नलिखित पुस्तक में मेड इन इंडिया ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड आंतर इंटरप्राइज हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक फेमस व्यक्ति हैं अमिताभ कांत जो सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग को और जी ट्वेंटी में भारत के शेरपा के रूप में भी काम कर चुके हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तक है मेड इन इंडिया सेवेंटी फाइव ईयर ऑफ एक्सलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैपलर के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है वह संबंधित देश कौन है तो उस देश का नाम है स्टेंट भारत कौन सा देश है उसमें भारत और ये देखिएगा कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है <laughs> भारत क्या कर रहा है रिफाइंड ऑयल को सबसे ज्यादा यूरोप को बेच रहा है मुद्दा समझ रहे हो यूरोप में आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई उसके बाद यूरोप के देशों ने रशिया से ऑयल परचेज करने में कमी कर दी और उसको लेकर के पे बात है भारत क्या करता है अरब के देशों से कच्चा तेल खरीद लिया और उसको रिफाइन करके वापस जो है दुनिया भर के देशों को बेच रहा होता है तो भारत विकम फर्स्ट सबसे हाइएस्ट अमाउंट में हम लोग यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या बात आगे फिर से सवाल कि भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती का पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है याद है राजनाथ सिंह ने तीन दिवसीय यात्रा पर मालदीव गए थे तो मालदीव जाने के क्रम में उन्होंने एक काम किया है अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है फायर फाइटर्स डे के रूप में यहाँ पे कब इसे मनाया जाता है जल्दी से इसमें हम लोग देखेंगे तो साथियों प्रत्येक वर्ष जो है वो फोर्थ ऑफ मई को ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस किस पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ दी सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है वो पूर्व लोकसभा के सांसद है और समाजवादी नेता है <coughs> उनका नाम क्या है जिनको इससे सम्मानित किया गया है तो संबंधित लीडर का नाम जो है वह है पंडित राम किशन क्या नाम है पंडित रामकिशन क्या नाम है पंडित रामकिशन यहां पे मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा हुआ है तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ना पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है भारत में दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो साथ में पद्म विभूषण उससे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और निधन के बाद और लेकिन ये जो सवाल हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है पंडित रामकिशन के बारे में सोशल लीडर थे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स में शामिल हो जाएगा स्टूडेंट इसमें भारत अभी शामिल नहीं है और इंडिया जो है उस पर काम कर रहा है लंबे समय से तो पूछा जा रहा है कि इंडिया कब तक शामिल होने का यहाँ पे लक्ष्य है तो भारत का टारगेट है कि हम लोग कार्बन ऑफसेटिंग एंड कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन के मामले में भारत जो है वो अपना लक्ष्य रखा है दो तक दो तक हम लोग इस समूह में शामिल हो जाएंगे जो कि अभी तक नहीं हो पाए हैं बिल्कुल हजार हमारे यहां पे करेक्ट आंसर होगा आगे फिर से सवाल कि मुंबई में संशोधित सीजी टी एम सी आई योजना किसने शुरू किया है वो लॉन्च दिस प्रोग्राम मुंबई में इस कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है ये बेसिकली एम एस एम ई सेक्टर की योजना है एम एस एम ई सेक्टर की योजना है अब जब एमएसएमई सेक्टर की योजना की बात हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहां पे जो हमारी सही जानकारी होगी वो हो जाएगा नारायण राणे क्या नाम होगा मंत्री का नारायण राणे <coughs> बिल्कुल ठीक है नारायण राणे राइट ये बेसिकली ये जो स्कीम है ये एमएसएमई सेक्टर को लिखा माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज क्रेडिट गारंटी क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है तो संबंधित मंत्रालय के द्वारा मंत्री ने इसे लॉन्च किया है वहां पे। आगे सवाल है कि हाल ही में राजस्थान में कितने नए वन्यजीव जीव अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं तो साथ तीन वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुए हैं कितने तीन हुए हैं और ये तीन कहाँ कहां पर हुआ है तीन अलग अलग जिलों में इसकी घोषणा हुई है जिसमें <coughs> जिसमें बारह भिलवाड़ा और जोधपुर शामिल है हाँ और जोधपुर इसमें शामिल है तो तीन वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा राजस्थान के अंदर और इस प्रकार से राजस्थान में जो टोटल संख्या हो जाएगा वाइल्ड लाइफ का वो संख्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स यानी कि पहले से वहां पे ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री अब कितना वहां पे हो गया अभी टोटल तो ट्वेंटी सिक्स हम लोग वहां पे देखेंगे आ, राजस्थान के लिए हाँ चलिए आगे फिर से सवाल है कि किस कंपनी ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर समझौते किए हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए एटॉमिक पावर पे किसने ये काम यहाँ पे किया है रिन्यू पावर ने अडानी जेएसडब्ल्यू एन तो एन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना सही जानकारी क्या होगा साथियों हो? एन भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कौन प्रोड्यूस करता है भाई एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत में अगर ये जानकारी हो कि एक कंपनी जो सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है तो एन और उसके अंतर्गत जो है यह समझौता हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आगे फिर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष उच्चतम बाजार उधार वाले राज्यों की सूची में पहला नंबर पे है सबसे ज्यादा मार्केट से डेट कितने किसने लिए हैं उसमें पहला नंबर पे कौन है <स्थिण> तो साथियों पहला नंबर पे जो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा डेट लेने के मामले में सबसे ज्यादा डेट लेने के मामले के में जो पहला नंबर पे उस राज्य का नाम क्या है तमिलनाडु क्या नाम है स्टूडेंट उसका तमिलनाडु दूसरा नंबर पे जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश और तीसरा नंबर में है महाराष्ट्र है ना तीसरा नंबर में कौन है तो महाराष्ट्र बिल्कुल और बिहार इसमें टॉप में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं इसको देख लिया सवाल क्या है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऋणदाताओं को प्राथमिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग ऋण देने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक ई वितरण नेटवर्क शुरू करेगा इकोनॉमिक्स <laughs> में पढ़ना होता है ना प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग बैंक बैंकों का जो फोर्टी परसेंट बैंकों का जो चालीस प्रतिशत जो पैसा है स्टूडेंट वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत जाता है पब्लिक सेक्टर बैंकों का कम अधिक डेटा कभी कभी हो सकता है बट इतना मतलब सौ रुपया लोन बांटोगे चालीस रुपया आपको जो आरबीआई तय करती उन क्षेत्रों को देना है जिसमें शामिल है एग्रीकल्चर है हाउसिंग लोन है एजुकेशन है सारा सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को कृषि को जाता है तो पूछा जा रहा है कि बैंकों को मदद कर किया जाएगा कौन ये मदद करेगी और उसके लिए एक ई नेटवर्क डेवलप करने का काम कौन कर रहा है तो इसमें एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है एच उसके द्वारा इसकी शुरुआत कर रही है की जा रही है आगे सवाल है कि कौन सी कंपनी प्रीमियम भुगतान करने के लिए आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा को स्वीकार किया है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने को एक्सेप्ट किया है कि आयोग के अध्यक्ष है तो अजीत कुमार मोहंती क्या नाम है संबंधित व्यक्ति का अजीत कुमार मोहंती उन्हें इस पद पर अपॉइंट किया गया है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसे शॉर्ट में महजर कह गया है में काम शुरू होने से पहले कौन सा देश भारतीय इंजीनियरों को ट्रेनिंग दे रहा है तो इस पे काम होने से पहले मुंबई अहमदाबाद बेसिकली ये हाई स्पीड जो ट्रेन वाला रोड है इसको बुलेट ट्रेन का रूट कहते हैं ना बुलेट ट्रेन तो इस बुलेट ट्रेन पर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं हमने जानकारी है कि इस बुलेट ट्रेन की स्थापना जो है जापान के सहयोग से हो रहा है तो उस उसपे भारतीय इंजीनियरों को ट्रेंड करने का कार्य साथियों जापान के द्वारा जो है वो किया जा रहा है इन दो शहरों के बीच चले गए मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये हाई स्पीड इंटरनेट ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन द्वारा पहली विदेशी क्षमता वृद्धि का क्या नाम है पहला विदेशी क्षमता तो साथियों विदेशी क्षमता वृद्धि का एन ने अपना विस्तार किया है और वो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो बांग्लादेश <coughs> है उसके लिए जो है वो सहयोग को आगे बढ़ा रहा है तो मैत्री वर्ड ही हम लोग जब आता है तो क्या करते हैं बांग्लादेश को रिकोगनाइज करते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यह शब्द यूज होता है आमतौर पर तो भारत का पहला ऐसा कंपनी जो विदेशी क्षमता में वृद्धि करने जा रहा है उस कंपनी का नाम क्या होगा एन टी पी सी नेशनल थर्मल पावर अगला सवाल है कॉरपोरेशन नेक्स्ट है कि संघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चार पांच मई को कहा पर आयोजित की गई एस का 2023 वाला सारा बैठक भारत में हुआ है हमें पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ है भारत के अंदर किन राज्यों के अंदर तो सबने जानकारी रखोगे कि भारत के अंदर यह जो आयोजन हुआ था वो गोवा में हुआ है कहाँ पे किया गया था गोवा में एस सी में बना है टोटल अभी इसमें नाइन मेंबर्स हैं भारत दो में शामिल हुआ भारत बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है आगे सवाल होगा कि 2023 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा और इस यह दिवस काफी खास है भारत के अंदर स्वर्ण इस दिन गंगा स्नान इत्यादि की परंपरा रही तो मई को बुद्ध पूर्णिमा जो 2023 में हुआ है दो हजार तेईस शिखर सम्मेलन क्या है ये <coughs> यहां पर आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है एक सम्मेलन है ना मशीन कैन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आयोजित हो रहा है कृत्रिम बुद्धिमता जिसको दुनिया में एक नया चमत्कार के रूप में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल तो इसकी शुरुआत जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको यहाँ पे बहुत अच्छा भाई क्या सही उत्तर है हमारा तो अगला सवाल फिर से देखोगे हम लोगों ने करा नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अनुसार 2023 हजार अप्रैल में भारत में बेरोजगारी का स्तर क्या था देखो ये डेटा हर महीने आता है तो इसमें कोई फिक्स्ड आंकड़ा नहीं होगा उस समय जो डेटा था वो आठ प्रतिशत भारत में बेरोजगारी बोला गया था हर महीने का रिपोर्ट होता है ये अप्रैल का है अगला सवाल होगा कि भारत ने कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर किस देश के साथ समझौते किए हैं देश के साथ समझौता हुआ स्टैंड इसराइल के साथ किन विषयों पर समझौता हुआ है कॉपरेशन इन फोकस इन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ना तो किसके साथ समझौता हुआ भी इसराइल जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा आगे प्रश्न है कि, कि किस राज्य सरकार ने इनर लाइन परमिट इनर लाइंड परमिट सिस्टम के लिए फेशियल रिक्नाइजेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया है साथियों इसमें मणिपुर हमारा करेक्ट आंसर होगा और आपने जानकारी होगा इनर लाइन परमिट भारत में इनर लाइन परमिट इट्स बिहेव लाकर वीजा जैसे किसी देश में जाने के लिए हमें क्या करना होता है वीजा लेना होता है उसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर इत्यादि कुछ ऐसे राज्य है जहां पर आप सीधे तौर पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है तो इनर लाइन परमिट में फेस रिक्नाइज करने के लिए चेहरे की पहचान करने की तकनीक की शुरुआत किसने किया है सिंह सरकार ने इसकी शुरुआत करी है मणिपुर के अंदर और हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर डी आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत करी है वह मंत्रालय कौन सा है तातो यह योजना की शुरुआत किया गया है यह योजना शुरू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन किसने शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट नहीं किसने शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने देखो जो भारत में एमएसएमई सेक्टर का जो विवाद है ना फाइनेंशियल डिस्प्यूट है एमएसएमई सेक्टर का जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है मान लो कोई वित्तीय विवाद है टैक्स वगैरह से रिलेटेड तो उसको दूर करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई जिसका नाम है विवाद से विश्वास कार्यक्रम का नाम क्या है उसमें विवाद से विश्वास और मंत्री का नाम तो जानते ही हो आप लोग निर्मला सीतारामन आगे सवाल है भारतीय विदेश व्यापार संस्था तीन मई को अपना साठवां स्थापना दिवस जो है वो हीरक दिवस के रूप में डायमंड जुबली के रूप में इसको मना रहा है हमें सवाल पूछा गया कि आई आई एफ टी ये है कहाँ पर स्थित तो साथियों आई आई एफ टी स्थित है नई दिल्ली के अंदर एंड इट है ना साठ वर्ष हो जाएगा जोड़ के देखोगे तो आई थिंक हाँ हो जाएगा नाइनटीन सिक्सटी थ्री में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे भी तो नई दिल्ली में अपना साठवां स्थापना दिवस जो उसको डायमंड जुबली के रूप में मना रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का अध्ययन करने के लिए आकलन करने के लिए बिजनेस रेडी परियोजना को शुरू किया है कौन सी परियोजना शुरू हुई है साथियों बिजनेस रेडी परियोजना कौन सी परियोजना है बिजनेस रेडी बिजनेस रेडी है ना अगर आप थोड़े ज्यादा समय से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको जानकारी होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट आता था वर्ल्ड बैंक का पता है अभी भी पुस्तकों में लिखा रहता है कि इस रिपोर्ट को ये जारी करती है इसमें इसमें होता क्या था ना स्टूडेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो होता था इस इंडेक्स में बेसिकली यह दर्शाया जाता था कि किसी देश में नया व्यापार स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना आसान है वो कौन दिखाता था इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करती थी वर्ल्ड बैंक चीन के फेवर में इस इंडेक्स के अंदर जो है डेटा में कुछ हेरफेर किया गया चाइना तो हर जगह अपना जो है वो कैनिंग वाला बुद्धि लगा देता है ना अपने लाभ के लिए बुद्धि लगाता है तो उसने कुछ आंकड़ा में हेरफेर किया था और वर्ल्ड बैंक ने उस हेरफेर के बदले में इस इंडेक्स को ही बंद कर दिया कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं जारी करेंगे और इसलिए आप देखोगे पिछले दो तीन वर्षों में आपको ये रिपोर्ट नहीं मिल रहा होगा तो वर्ल्ड बैंक ने अब इसके स्थान पर एक नया रिपोर्ट शुरू किया है एक नया रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का नाम क्या है बिजनेस रेडी परियोजना इस परियोजना में भी लगभग वही कार्य होगा कि किसी देश में व्यापार करना आसान है मुश्किल है कितना आसान है कितना मुश्किल है तो यह बताया जाएगा किसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बताया जाएगा भाई बिजनेस रेडी परियोजना के अंतर्गत किसके स्थान पर लाया गया है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको छोड़ करके बिजनेस रेडी अवार्ड ए, इंडेक्स यहां पे जारी होगा आगे सवाल है सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं भाई जैसा नाम उसी तरह का बने हैं प्राग्वे के नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब भारत की ग्यारहवीं महिला है जिन्होंने इसमें जीता है साथियों वंतिका अग्रवाल नाम क्या होगा इनका वंतिका अग्रवाल क्या नाम होगा भाई इनका वंतिका अग्रवाल अगला सवाल कि कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है कोयला खनन करने का कार्य जो लोग करते हैं ये चार मई को इनके लिए दिवस मनाया जाता है एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि भारत में कोयला का खनन पहली बार कहाँ पर हुआ है तो साथियों भारत में कोयला का जो माइनिंग स्टार्ट हुआ था पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर रानीगंज से प्रारंभ हुआ था अभी भी रानीगंज फेमस है इसके लिए रंजीता गुहा 100 वर्ष में इनका निधन हुआ है ये कौन थी जिनका हाल में निधन हुआ है साथियों रंजीता गुहा जो है भारत में एक फेमस हिस्टोरियन के तौर पर इनको जाना जाता है इतिहासकार के रूप में और इनका हाल में निधन हुआ है सौ वर्ष पूरा हो गया था नेचुरल डेथ के रूप में ही देखना है इसे फिलहाल नेक्स्ट है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है रोक लगा दी है तो हम लोगों को याद है बिहार सरकार जो है वो कास्ट सर्वे जो कर रही थी जो जातिगत सर्वेक्षण कर रही थी साथियों उस जातिगत सर्वेक्षण के लिए उस जातिगत सर्वेक्षण को यहाँ पे हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था रोक लगा दी थी और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है इसको पुनः बहाल किया गया पुनः चालू किया गया तो ये बातें क्लियर रहेंगी यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है ना लिए आगे फिर से सवाल है कि हाल ही में सितवे बंदरगाह खबरों में रहा था इस सितवे बंदरगाह किस देश में है श्रीलंका सूडान म्यांमार या मॉलदीव के अंदर तो इसमें सही जानकारी है हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा म्यांमार में कहां पर भी सितवे बंदरगाह तो म्यांमार एग्जाम के अंदर खूब सारा सवाल इस तरह से यहां से बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली अंत समुद्रीय सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है अंत समुद्रीय समुद्र के अंदर जो है एक सुरंग जो है यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है उसका नाम क्या है <coughs> तो यह बनाया जा रहा है मुंबई कैनल ना और बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मुंबई और नवी मुंबई के बीच का डिस्टेंस जो होगा कम हो जाएगा समुद्र के अंदर जो है वो एक टनल होगा सुरंग होगा आगे सवाल है किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें मुख्य निष्कर्ष यह है कि कम आय वाले देशों में कम आय वाले देशों में लगभग नब्बे प्रतिशत में से नौ किशोरियों और 15 से 24 आयु वर्ग की युवा महिलाओं को इंटरनेट की पहुंच नहीं है है ना पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को यहां पे प्रकाशित किया है <coughs> तो साथियों उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड क्या नाम है उस संस्था का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड ये कितना बड़ा आंकड़ा है इसे समझने का प्रयास करेंगे दुनिया में बताया जा रहा है कि कम आय प्राप्त करने वाले 90 प्रतिशत मतलब जिनका इनकम कम है उन लोगों में नब्बे प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है यानी कि दस में से नौ तो आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप समझ लो कि आप दुनिया के उन दस प्रतिशत लोगों में से आते हैं जिसके पास इंटरनेट है तो आप एकदम लकी मानो अपने आप को है ना बिल्कुल और क्या लिख रहे हो कि सर एग्ज़ाम है मेरा तो आशीर्वाद चाहिए लग जाएगा क्या आशीर्वाद पढ़ाई किए तब ना फिर तो चलो परीक्षा में शुभकामनाएं चोरी चपाड़ा नहीं करना जितना आएगा उतना लिखने का प्रयास करना ईमानदारी से लिखोगे दो चार नंबर कम आएगा लेकिन जो आएगा उसमें संतुष्ट रहोगे ग्रेट हाँ तो आ, इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा चिल्ड्रेन फंड जारी किया है फिर से सवाल भारतीय वायुसेना वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनकोस ट्वेंटी में भाग लिया है इस वायुसेना के अभ्यास में किसने भाग लिया <coughs> तो साथियों इसमें ग्रीस ने भाग लिया है ग्रीस एथेंस ना जिसकी कैपिटल सिटी तो ग्रीस ने इसमें भाग लिया है और इस अभ्यास का नाम है इनकोस 23 आगे फिर से सवाल होगा कि बेस्टिल डे परेड कब होती है बेस्टिल डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इसमें शामिल होने गए थे ना और कई सारी घोषणाएं वहां से करके आए थे तो ये चौदह जुलाई को होता है और कहा किस देश में ये हो रहा है तो फ्रांस में फ्रांस की क्रांति को रिकोग्नाइज करता है उसकी पहचान को लेकर के यह दिवस मनाया जाता है फ्रांस के अंदर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा क्यों किया देखो फ्रांस की यात्रा लिखा हुआ पहला मुद्दा टू अटेंड बैस्टिल डे परेड बैस डे परेड में ये भाग लेने के लिए वहां पे गए थे आ, किंग चार्ल्स तृतीय का राज्यभिषे कौन कराएंगे रानी कराएंगे कैंटरबरी के आर्क बिशप कराएंगे या किसके द्वारा होगा तो उसने उनको आर्क बिशप जो वहाँ के हैं आर्क बिशप उनके द्वारा उनको वहाँ पे कराया जाएगा जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ भाई राज सत्ता को राज राज सिंहासन को कौन उनको सौंप रहा है तो बिल्कुल नेक्स्ट है कि ताशकंद में एशिया एशिया कप वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेज टू में भारतीय तिरंदाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं तो साथियों तिरंदाजों ने पाँच गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल भी पाँच ही जीता है और ब्रेंज ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है साथियों वो इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रॉन्ज मेडल जो जीता गया वो है दो तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे बारह मेडल जीता था राजकंद में एशियन एशिया कप में और सही उत्तर हमारा ये हो गया आगे सवाल होगा कि दोहा में सीजन ओपनिंग डायमंड लीग में जेवलिन लेग किसने जीत लिया है अभी जेवलिन भाला की बात होगी और हमारे नीरज चौपड़ा साहब नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा तो भाला फेंकने की प्रतियोगिता में जुविलीन थ्रो में डायमंड अवार्ड किसने जीता है तो नीरज चोपड़ा साहब करेक्ट है निम्नलिखित में से किसने फैकल्टी के भर्ती के लिए एक एकीकृत भर्ती पोर्टल यू चयन लॉन्च किया है चयन हा लॉन्च किया है किसके लिए भाई हिंदी में ही लिखा हुआ है इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे किसके लिए फैकल्टी को रिक्रूट करने के लिए जो पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं उनके लिए तो इसके लिए शुरुआत किया गया है साथियों यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा किसके द्वारा किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कोई भी रिक्रूटमेंट होगा स्टूडेंट तो उस रिक्रूटमेंट को जो है वो इसके अंतर्गत वहां पे हायरिंग प्रोसेस होगा पूरा पूरा बहाली की प्रक्रिया उसके अंतर्गत चलेंगे चलिए देखो पढ़ाई पे ध्यान दो हाँ बच्चा आशीर्वाद वगैरह से अगर बहुत कुछ होता तो फिर तो वो लो लोग पढ़ाई नहीं करते ना आशीर्वाद भी उसी को लगता है जो कठोर मेहनत करता है पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत का घरेलू कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा कोयला का जो उत्पादन है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है हम लोगों ने कोयला उत्पादन जो है वो 22 प्रतिशत से इंक्रीज कर दिए हैं पिछले कई वर्षों के दौरान आगे सवाल निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोटे और मध्यम व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एस एम बी केंद्रित एस एम बी केंद्रित वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर को यहाँ पे जारी किया है उस कंपनी का नाम क्या है किसे मदद किया जाएगा छोटे और मध्यम व्यवसायों को तो यह कार्य किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन करेगा भाई माइक्रोसॉफ्ट ना माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स इंडिया भी आए हुए थे और वो क्या नाम था एक चाय वाला जो है मुंबई में बड़ा फेमस उससे उन्होंने चाय भी पी लिया भूरा बाल नहीं रखता है राइट हाँ सर आर आर बी का बैच लेना आर आर बी का हम लोग का चैनल है ना के जी एस रेलवे एग्जाम्स उसमें जा करके देखना क्या कमाल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं पूरी टीम लगी हुई है शानदार कंटेंट और कोर्स भी ज्यादा नहीं है फोर फोर नाइन आई थिंक साढ़े चार पांच सौ में कोर्स है और उसमें भी खान सर ने पूछा ये भी फीस कम कर दें बोलो कम बोलो तो और कम कर देंगे बस पढ़ाई करो कोई शिकायत मत करने पढ़ाई नहीं करना है रेलवे वाले बच्चे जो है वो जरूर से जरूर जाकर के उधर अपना पढ़ाई करो नहीं नहीं एमबीए चाय डोली चाय वाला डोली सही बोला डोली चाय वाला के साथ अभी बिलगेट्स ने उसको एकदम से बना दिया उसको स्टार बिल्कुल ग्रेट रेठा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसानों के लिए गीता कर्मी कूला बीमा ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा लॉन्च किया है उसका नाम क्या है नाम से कुछ अनुमान लगा लो इधर होगा अच्छा ये सब दक्षिण भारतीय राज्य हैं तो इसकी शुरुआत किसने किया है जो ताड़ी निकालते हैं उसके लिए प्रोग्राम शुरू हुआ है <laughs> तेलंगाना की सरकार ने किया है तेलंगाना बिहार में तो ताड़ी भी बैन है ना बैन है ना तो जो ताड़ी निकालने वाले लोग हैं उनके लिए बीमा योजना तेलंगाना की सरकार ने यहाँ पे शुरू किया है आगे सवाल होगा अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो शुभंकर टॉर्च एंथम इत्यादि का लोकार्पण किया है पूछा जा रहा है कि इस खेल का आयोजन कहाँ पे होगा साथियों इस वर्ष जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यह होस्ट किया जा रहा है लखनऊ में कहां पर आयोजन हो रहा है साथियों इसका तो लखनऊ के अंदर लखनऊ यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए चलो आगे सवाल बचा हुआ अभी कुछ क्वेश्चन भुगतान बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पेश कर दिया है मतलब चेहरा देख करके जो है वो पहचान होगा कि ऑथेंटिक व्यक्ति को पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे है? सब मिल जाएगा क्या बात कर तो रेलवे का बैच नहीं है उसमें ऐप डाउनलोड किया उसमें है बिल्कुल है नंबर है उस पर कॉल कर लेना हेल्पलाइन नंबर वो आपको गाइड कर देंगे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो और कमेंट सेक्शन में आपको ज्यादा मदद नहीं मिलेगा फिलहाल है ना चले जाओ उसमें चैनल पे रेलवे एग्जाम्स का अलग से एक चैनल बना हुआ है के जी एस रेलवे एग्जाम्स पहले उस चैनल पे जाओ तुमको सारा जानकारी मिल जाएगा और फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाई करने दो पढ़ना है तो फिर यहां पे बने रहो अदरवाइज फिर आप यहां से भी जाओ चलिए इस सवाल को देखो ध्यान से स्टूडेंट भारत में फेस रिकग्नाइज करने के लिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम किसने लॉन्च कर दिया भाई एयरटेल पेमेंट बैंक ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके साथ मिलकर एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता जिसका नाम है Z20 ट्वेंटी टेक स्पिरिट को लॉन्च किया है वह कौन सी संस्था है जिसके साथ मिलकर के ये लॉन्च किया जा रहा है तो साथियों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के साथ मिलकर के RBI डेवलप कर रहा है Z20 ट्वेंटी टेक स्पिरिट क्यों ताकि ग्लोबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है फाइनेंस के क्षेत्र में वो यहाँ पे भाग ले सके उसमें जुड़ सके बिल्कुल तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे रखोगे आगे क्या सवाल होगा चलो इसमें जल्दी से देखो क्वेश्चन कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक इसे बनाया गया है कोलवरम मल्लिकार्जुन प्रसाद को हाँ मल्लिकार्जुन प्रसाद करेक्ट आंसर है कुछ बच्चे सही कर रहे थे इसमें ग्रेट आगे फिर से सवाल होगा कि लूका ब्रेसल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है पूछा जा रहा है कि वह महाद्वीप यूरोप का पहला खिलाड़ी बन गया है वह किस देश से है महाद्वीप यूरोप के यूरोप कॉन्टिनेंट के फर्स्ट प्लेयर हैं बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन यूरोप तो कहाँ से हैं भाई ये बेल्जियम के हैं कहाँ से हैं बेल्जियम से और इन्होंने इस चैंपियनशिप को अपने नाम कराया है सबनीम इस्माइल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है वो साउथ अफ्रीका से हैं कहाँ से भाई साउथ अफ्रीका से नेक्स्ट क्वेश्चन पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है दुनिया में थर्टी सबसे अधिक सिक्स सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी किस नंबर की भाषा है सिर्फ बच्चे बताओगे दुनिया में मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज में हमारी भाषा किस नंबर पे आती है तीसरी नंबर पे ना और हम लोगों ने इसमें देखोगे तो दो भाषाएं हैं जो भारत हिंदी से ऊपर है जिसमें से एक है इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा बोली जाने वाली भाषा दूसरा मैंडरीन है चाइना का लैंग्वेज तीसरा में हमारा हिंदी उसके बाद स्पेनिश आता है तो इस तरह से छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और यह भाषा जो है स्टूडेंट इसका दिवस मनाया जाता है छः मई को सिक्स ऑफ मई को यह भाषा मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल कब मनाया जाता है हर साल ये हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है फिफ्थ ऑफ मई हाथ स्वच्छता दिवस कब कई प्रकार की बीमारी सिर्फ इसलिए फैलती है क्योंकि हमारे यहाँ क्या चलन है बिना हाथ धोए खाए हुए खाने का ना और ख़ास करके आप देखोगे कि हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड जो आमतौर पर लोग लेते हैं तो मैं तो खासा ख्याल रखता हूँ इस बात का यून आप सब भी काफी अलर्ट रहना हाँ क्या होता है कि आप अगर हाथ नहीं धुलते हो तो कई सारी बीमारियां जो है इसी से आ जाती हैं हाँ चीजें काफी और उसको अवेयरनेस को लेकर के ये दिवस हमारे यहाँ पे मनाया जाता है फिफ्थ ऑफ मई को नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोबला का हाल ही में निधन हो गया है वह कौन थी तो साथियों वो कॉमेडियन थी अभिनेता एक्टर के रूप में वो काम कर रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मोचा क्या नाम है साथियों मोचा इसे मोचा किसने कहा तो मोचा हर तूफान का नाम जो है वो संबंधित देशों के समूह द्वारा दिया जाता है और एक देश एक नाम देगा अभी भारत की बारी है अब जो चक्रवात अगर आएगा ना तो अब जो भारत नाम देगा हाँ क्योंकि यमन ने दे दिया मोलदीव ने दे दिया बांग्लादेश ने दे दिया भारत अब इसमें नाम देने वाला है अगली बार नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा मंत्री एकथा हार्बर साथियों तो नाम इनका है एकथा हार्बर की आधारशिला रखी गई है यह किस देश में बनाया जा रहा है एकथा हार्बर क्या है बेसिकली पोर्ट है

वहां पे इसका निर्माण हुआ है और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा ठीक है आगे फिर से सवाल है आगे फिर से प्रश्न है कि सिलहट के भोलागंज सिलहट के भोलागंज में इन देशों के बीच में बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है ये बॉर्डर हाट जो है भारत का इसमें देखोगे तो ये हमारा लगभग तीसरा चौथा बॉर्डर हाट है पूछा जा रहा है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है तो उसमें उद्घाटन हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच इसके किसके बीच हुआ स्टेंड भारत और बांग्लादेश के बीच में <coughs> बिल्कुल भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका निर्माण हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चलिए आगे सवाल क्या होगा जिसको यहां पे थोड़ा करेक्ट कर देना हा? एक था हार्बर मॉलदीव होगा फ्रेंड इसको आप यहां करेक्ट करना मॉलदीव होगा मेक इट करेक्ट एक था हार्बर को आप करेक्ट कर देना मॉलदीव होगा श्रीलंका नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं जल्दी से कमेंट करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं और कितने पचास साठ क्वेश्चन और है जल्दी से हम लोग कर लेंगे पचास साठ प्रश्न करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा हाँ तो परेशान नहीं होना चलिए इसमें सही उत्तर क्या है हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा तो सेवेंथ ऑफ मई ना सात मई यहाँ पे हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी सात मई यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कोरिया के जिंजू में एशियाई भारतोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारतोलन का रदक प, रदक पद, पदक जिसने जीत लिया है उनका नाम क्या है <coughs> तो सें उनका नाम है नाम क्या है जेरेमी लालिनुंगा नाम क्या होगा इनका जेरेमी लालीनूंगा और ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे देखेंगे करेक्ट है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा तो बिल्कुल चलिए सभी बच्चों ने जिसने भी बी किया वो यहां पे करेक्ट है हाँ जरेमी लाली रूंगर नेक्स्ट है कि बताओ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला अप्रेंटिसशिप मेला का एक्सपो का आयोजन हुआ है उद्देश्य क्या है उद्देश्य निश्चित रूप से एक ही होता है आमतौर पर कि युवाओं को स्थानीय युवाओं को क्या करना चाहते हो कौशल प्रशिक्षण का करना है और उन्हें अवसर प्रदान करना है और यह प्रोग्राम जो है वो एन एस डी ई के द्वारा शुरू किया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड आंट्रप्रनोरशिप को लेकर के जो डिपार्टमेंट काम करता है उसके द्वारा तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई ऑप्शन बनी नेक्स्ट है टास्कंद में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने किसे पराजित कर दिया है <coughs> तो स्टूडेंट इन्होंने पराजित किया है इन्होंने पराजित कर दिया है जिन पर्सनालिटी का नाम है सकेन बीबी सोनेवा इंडियंस नहीं है तो फिर हम लोग इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताओ लीगो लीगो इंडिया क्या है वोट इज लीगो इंडिया ये अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने वाला परियोजना है स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना है ब्लैक होल के अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की परियोजना है ये समुद्र की गहराई के लिए तो इसकी स्थापना ना अभी लिगो जो है इसकी स्थापना महाराष्ट्र में किया जा रहा है और यह भारत के अंदर इंडिया में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए इसके लिए इसकी स्थापना हो रही है गुरुत्वाकर्षण के तरंगों का पता लगाने के उद्देश्य से, से इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है महाराष्ट्र के अंदर आगे सवाल होगा चौरसठ में बी आर ओ दिवस समारोह पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन कहाँ पर किया गया है बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और साथियों इस पे यह आयोजन हुआ है नई दिल्ली में कहाँ हुआ है नई दिल्ली में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमावर्ती सड़कों का निर्माण रख रखाव का कार्य इसमें होता है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने एक से चार मई तक कहाँ पर आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 तो में भाग लिया है अरेबियन ट्रैवल मार्ट किस शहर में हुआ है अबू धाबी दुबई बगदाद या न्यू डेली में इसमें हमारी भारत की सरकार ने यहाँ पे भाग लिया है चलिए तो इसमें हमारा जो सही जानकारी होगा वह है कि यह आयोजन यह आयोजन जो ट्रैवल मार्ट जो है वो कहां पर हुआ अभी तो यह जो ट्रैवल मार्ट हुआ है यह है यह ट्रैवल मार्ट कहां पे हुआ है दुबई के अंदर हुआ है कहां पे हुआ भी तो दुबई के अंदर और भारत ने इसमें यहाँ पे भाग लिया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में में दिखाई पड़ रहा है आगे सवाल है कि पॉप्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दस खिलाड़ियों में पहले नंबर पर कौन है तो साथियों दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स में पहले नंबर पर रोनाल्डो है दूसरे नंबर पर लियोनल मैसी और तीसरे नंबर पे एम बापे. तो ये टॉप थ्री इन तीनों का नाम अगर जानकारी रहे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई सवाल पूछा ही जाएगा हाँ तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल फिर से है कि बताओ किस भारतीय जिले ने किस भारतीय जिले ने ओ डी एफ खुले में सोच मुक्त ऑफ एन डिफिकेशन प्री प्लस रैंकिंग्स को प्राप्त किया है जिला का नाम बताना है तो साथियों यह जिला है वायनाड वायनाड से सांसद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है केरल का यह जिला जो है वो केरला का यह डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गया है पुले से शौच मुक्त प्लस रैंकिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला और कल राज्यों के बारे में हम लोग बात किए थे ना पुले में शौच मुक्त प्लस राज्य में कौन हम लोगों ने नाम देखा था भाई सिक्किम हम लोगों ने क्या नाम उसमें देखा था सिक्किम तो सिक्किम राज्यों में है और जिला पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे वायनाड करेंगे इस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ पर इसको विकसित किया जाएगा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को चलिए तो यह कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पे बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में ऑप्शन में गुजरात नहीं है इसलिए थोड़ी राहत है अदरवाइज हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताओ राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण नेशनल इनोवेशन नेशनल मैनु, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में सबसे आ, के अनुसार किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया सबसे उभरता हुआ इमर्ज होता हुआ राज्य कौन सा है साथियों सबसे इमर्ज होता हुआ राज्य है कर्नाटक कौन सा राज्य हो जाएगा इसमें कर्नाटक सबसे इमर्जिंग स्टेट है मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेक्टर में हाँ कौन सा सेक्टर भी बिल्कुल तो इनोवेशन के सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि ये सबसे पहले नंबर पे है आगे फिर से सवाल हमारा है अगला सवाल होगा कि बताओ विश्व रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आठ मई को और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक का भी नाम जानकारी रहे तो ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम के अंदर यहां पे सवाल होता है ना हेनरी डू हेनरी यूनाइटेड किंगडम यूके के हैं और उनके द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी जो भारत समेत दुनिया के कई सौ देशों के अंदर ये काम करती है सामाजिक क्षेत्रों में बिल्कुल आगे फिर सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दसवें पोर्ट का निर्माण कहाँ हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में चाहते हो लैंड पोर्ट कहा बनाया गया है मेघालय में उद्घाटन किसने किया है तो बिहार से ही सांसद हैं नित्यानंद राय ना नित्यानंद राय जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा आगे सवाल है कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत जी ट्वेंटी तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय यूथ ट्वेंटी परामर्श कार्यक्रम की शहर में संपन्न हुआ है <coughs> यूथ ट्वेंटी परामर्श साथियों कहां पर संपन्न हुआ है उस संबंधित शहर का नाम क्या है वह संबंधित शहर कौन सा है बिल्कुल तो उत्तराखंड का एक सबसे शानदार और खूबसूरत जगह साथ है वह ऋषिकेश ना वहीं पे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है राज्य के स्वामित्व वाले एस जे वी एन सतलज जल विद्युत निगम जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 100 मेगावाट की पावर ग्रिड की इसमें शुरुआत किया है तो एस जे वी एन के इसने इस प्रोग्राम को जो शुरू किया साथियों वह संबंधित राज्य हमारा हो जाएगा गुजरात में हाँ कहां पे इसकी शुरुआत हुई है तो गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत की गई है गुजरात के अंदर यहां पे शुरुआत हुई है हंड्रेड मेगावाट का ये पवन ऊर्जा परियोजना पर आधारित है आगे सवाल होगा कि सेबी ने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा इत्यादि को जारी करने के लिए एक नया कानूनी इकाई पहचान करता प्रणाली शुरुआत किया है जिसमें जिसे एल ई आई कहते हैं ना एल ई आई मतलब लीगल इंटिटी नंबर जैसे आप अगर शेयर मार्केट में मान लो नॉन क्या बोलते नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप उसको कुछ उस परचेज करते हो ये करते हो तो उसके लिए आपको 20 अंकों का कितने अंकों का भाई तो 20 अंकों का एक लीगल लीगल आ, एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये नंबर कितने अंकों का है भाई अंकों का है कितने अंकों का होगा यहाँ पे बीस अंकों का ग्रेट जिन्होंने बीस उत्तर किया है सबका सही है आगे प्रश्न कि अर्ध शहरी क्षेत्रों में सेमी अर्बन एरिया में मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं को सुरक्षित एमएसएमई ऋण प्रदान करने के लिए इस बैंक ने सह उधार मॉडल के तहत इंडिया सेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते किए हैं <coughs> सेमी अर्बन एरिया में इसके अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाएगा तो साथियों यह ऋण प्रदान करने के लिए यस बैंक के द्वारा ना एस बैंक के द्वारा जो है यह समझौता किया गया है एस बैंक यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा एस बैंक या एक्सिस बैंक <coughs> चलिए तो इसमें हो जाएगा हमारा एक्सिस बैंक हाँ एस बैंक इसमें नहीं है आगे फिर से सवाल होगा कि वैक फिट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो फ्रेंड वैकफिट ना गद्दा बनाने का काम करती है <laughs> गद्दा बनाती है ना टीवी में इसमें प्रचार भी आता है इसका काफी सारा एडवर्टीजमेंट आता है तो वैकफिट जिसमें आयुष्मान खुराना जो है उसको उसका प्रचार कर रहे उसको इंडोर्स करते हैं ना नाम क्या है उनका आयुष्मान खुराना और उनके द्वारा इसको इंडोर्स किया जाता है वैकफिट गद्दा जिसको बताया जाता है कि भाई साइंटिफिकली डिजाइन है अच्छी नींद जो है वो सेहत के लिए कितना अच्छा है और आप इसमें बहुत रिलैक्स फील कर सकते हो बिल्कुल तो उसको हम लोगों ने यहां पे कर लिया अब आगे फिर से सवाल होगा आगे सवाल क्या होगा इसे भी अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चलिए ज्यादा प्रश्न नहीं है अब जल्दी से देखेंगे कि इसराइल के विदेश मंत्री जो भारत में तीन दिनों की यात्रा पर आए थे उनका नाम क्या है साथियों एली कोहन वहां के विदेश मंत्री थे भारत की तीन दिवसीय यात्रा पे आए थे आगे फिर से सवाल भारतीय रेलवे ने 2023 में कितने मीट्रिक टन मासिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है भारतीय रेलवे के द्वारा ये जो टारगेट हमारा हासिल हुआ है वह है भारतीय रेलवे ने वह है हमारा एक सौ मीट्रिक टन और पिछले वर्ष की तुलना में जो हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ था उस पिछले वर्ष की तुलना में ये हमारा जो है वो काफी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं 3.5 परसेंट का इंक्रीजमेंट कितना का इंक्रीजमेंट है पॉइंट फाइव परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट और अगर पूछा जाए कि रेलवे का जो राजस्व प्राप्ति है उसमें कितना का वृद्धि हुआ है जो पैसे कमा रही रेलवे रेवेन्यू जो प्राप्त कर रही है उसमें तो यह लगभग सात प्रतिशत का इंक्रीजमेंट यहां पर रिकॉर्ड हुआ है आगे सवाल है जी ट्वेंटी विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक कहां पे हुई है जी ट्वेंटी विकास कार्य समूह निश्चित रूप से इसमें तो गोवा में होगा जी ट्वेंटी का सारा बैठक भारत में हो रहा था तो गोवा में होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में 8 मई को वायुसेना का एक लड़ाकू विमान हनुमानगढ़ में जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका नाम है मिग ट्वेंटी वन आमतौर पर ये लगभग आपको हर वर्ष एक दो तीन ऐसा क्रैश हम लोग देखते हैं और वो एक दो तीन जो क्रैश होता है प्लेन का वो क्या होता है स्टूडेंट वो तो इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है तो इस विरासत केंद्र का शुरुआत इसका उद्घाटन करने का काम जो है वह किया गया है भारत के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा निश्चित रूप से यही सही होगा आगे सवाल है किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन हुआ है अब इस तरह का सारा टूर्नामेंट दुबई में हुआ है इस तरह का जितना आपको टूर्नामेंट मिलेगा वो सब अभी कहा हुआ है तो दुबई में हुआ है ना तो शतरंज का ये टूर्नामेंट भी कहां हुआ दुबई में आगे सवाल कि किस राज्य सरकार ने डिजनी लैंड के आधार पर लैंड हाँ रामालैंड बनाने की योजना करी है तो साथियों ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम भगवान के जीवन पर आधारित ये होगा और ये लैंड कहाँ पे बनाने का प्रयोजना है साथियों तो यह अयोध्या के अंदर है ना कहाँ पे बनेगा ये अयोध्या में बनाया जाएगा जैसे डिजनी लैंड है उसी तर्ज पे हमारा होगा रमालैंड और भगवान राम के जीवन से संबंधित तमाम जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे दर्शाने का काम किया जाएगा नेक्स्ट है किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर दो हजार साल पुरानी आधुनिक सभ्यता की खोज हुई है बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में है तो निश्चित रूप से वहीं पे यह खोज हुआ होगा आगे सवाल है कि बताओ हाल ही में किस भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है इंडिया में बास्केटबॉल का प्रशासक किसे बनाया गया है प्रवीण कुमार संबित प्रसाद अमित कुमार पी कृष्णा भट्ट क्या नाम इसमें हम लोग यहाँ पे सही देखेंगे तो साथियों सही उत्तर हमारा है पी कृष्णा भट्ट क्या नाम है उनका पी कृष्णा भट्ट जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है बास्केटबॉल के लिए अडानी समूह ने किस राज्य में देश का पहला एकीकृत डेटा सेंटर को स्थापित करने का काम किया है एकीकृत डेटा सेंटर अडानी समूह के द्वारा साथियों कहां पे आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल या इसकी शुरुआत कहां पे तो इन्होंने पहला ऐसा स्थापना जो है वो पश्चिम बंगाल में किया है ऑप्शन नंबर बी यहां कि किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा भारत का पहला तो निर्माण होना है कहां, पे इसका होगा, आसाम के कहां पे होगा आसाम हेमंत बिस्व शर्मा इसके सीएम है आगे सवाल है ध्यान से पढ़ेंगे अगला प्रश्न किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दे दिया है कौशल योजना को किसने मंजूरी प्रदान कर दिया है उस संबंधित राज्य का नाम क्या है ग्रेट उसका नाम क्या है साथियों तो उत्तराखंड ने किसने मंजूरी दिया है उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी नेक्स्ट क्वेश्चन सर छिहत्तरवे कांस्य फिल्म फेस्टिवल में मानद पालमे डी से सम्मानित किया गया है किसे तो साथियों माइकल डगलस को सम्मानित किया गया अभिनेता है यूएस के अमेरिका के और उन्हें इन्हें सम्मानित किया गया है तो माइकल डगलस को क्या मिला है इसमें किसे भी अजय वीज को बनाया गया था पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने वनडे प्रारूप में सबसे तेज पांच हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं उन्होंने कितनी पारी में यह कीर्तिमान हासिल किया है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज पाँच हज़ार रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है और यह उन्होंने सिर्फ 97 पारियों में किया है संतानवे पारी उन्होंने खेली जिसमें उन्होंने पाँच हजार रन का आंकड़ा छू लेने का काम किया है समझ लो कितना फास्ट क्रिकेट खेला इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है नो डाइट जिस दिन आपको कोई डाइट नहीं लेना है आपको जो मन करे वो खाओ जो मन करे जैसे मन करे वैसे करो तो इसकी शुरुआत कब हुई है क्या बात है ग्रेट <coughs> इसकी शुरुआत कब हुई है कब मनाया जाता भी सिक्स ऑफ मई को कब है सिक्स ऑफ मई को नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल होगा कि मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष पांच मई को मनाया जाता है इस वर्ष मिडवाइफ का जो दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है इसका विषय क्या है <coughs> तो साथियों इस वर्ष का जो थीम है इसका इस वर्ष का जो इसका थीम यहां पे हम लोग देखते हैं वह थीम रखा गया है वह थीम रखा गया है टू अगेन फ्रॉम एविडेंस फिर से एक साथ सात से वास्तविकता तक ऊपर में लिखा हुआ था नेक्स्ट है कि हाल ही में सिकंदराबाद के वारसी गुड़ा में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है निश्चित रूप से जो इसका उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है आमतौर पर और यहाँ पे किसने किया स्वेंट तो यहाँ पर यह उद्घाटन किया है जो दक्षिण भारत के बड़े लीडर हैं उनके द्वारा और उनका नाम है जी किशन रेड्डी क्या नाम है साथ उनका जी किशन रेड्डी पीएम जन औषधि केंद्र पीएम जन औषधि केंद्र सस्ती दवा जहाँ पे सरकार जो है सत्तर अस्सी प्रतिशत कम में जेनेटिक मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध कराती है टैगिन भाषा में बनी फिल्म लव इन नाइन्टीज का ट्रेलर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है सवाल यह है, पूछा गया है कि टैगिन किस राज्य की भाषा है देखो ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है तो टैगिन जो है ना ये पहली फिल्म है उस भाषा की पहली फिल्म है टैगिन सॉरी लव इन नाइन्टीज और किस लैंग्वेज में भी टैगिन में है और किसने लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने तो किरण रिजिजू तो किस राज्य से हैं तो जिस राज्य से हैं संबंधित राज्य जिस क्षेत्र से है वही यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा और वह है अरुणाचल प्रदेश हाँ वहां की भाषा में यह पहली फिल्म है तो ये खासा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है फिल्म का नाम क्या है लव इन नाइन्टीज और ऐसे भी सवाल आ सकता है कि बताओ ये फिल्म किस भाषा में है तो टाइटल से तो लग रहा है कि इंग्लिश में होगा बट ऐसा नहीं है आगे फिर से प्रश्न होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है उन्होंने <coughs> डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए किसे नियुक्त किया है चलिए इसमें सही उत्तर क्या होगा जल्दी से देखो इसमें जो सही उत्तर हुआ है <coughs> घरेलू नीति सलाहकार के रूप में जो बाइडेन के द्वारा अपॉइंट किया गया है नीरा टंडन को इसे अपॉइंट किया गया साथियों नीरा टंडन ऑप्शन नंबर ए मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो मंत्रालय सबका बदला गया था ना और उसमें हम लोग देखते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ पे इस मंत्रालय को सौंपा गया था जी सेवन शिखर सम्मेलन 2023 कब और कहाँ होने वाला है जी सेवन तो इसमें सभी डेवलप कंट्रीज इसमें एक साथ आते हैं और यह आयोजन होने वाला था होने वाला है हीरो में ना जापान के अंदर उन्नीस से 21 मई 2023 में इसमें भारत को भी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था और यहीं पर क्वाड समिट भी हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा था अगला सवाल है कि बताओ कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया क्या नाम है साथियों सिद्धारमैया डिपुटी कमिश्नर जो है वो ये है आगे सवाल होगा बताओ कैबसेट 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है कैबसेट कहाँ पे, <coughs> पे हो रहा है ये आयोजन साथियों किस देश के द्वारा कहाँ पे हो रहा है ये दुबई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ लोकसभा के अध्यक्ष अलग अलग कारणों से चर्चा में रहते कोटा से सांसद ओम बिरला साहब नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का शुरुआत किया है स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम त्रिपुरा तेलंगाना महाराष्ट्र या कर्नाटक किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है तो साथियों इसकी शुरुआत की गई है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा किसने शुरू किया अभी त्रिपुरा ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम किस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है ए के जैन को बोर्ड का नाम क्या है PNGRB. उसके अध्यक्ष बनाया गया है ए के जैन को आगे सवाल होगा <coughs> अगला सवाल है कि बताओ सबसे ज्यादा जी आई टैग किसे प्राप्त हुआ है सॉरी सबसे ज्यादा जी आई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पे है देखो उत्तर प्रदेश एसमेंट इसमें सेकंड नंबर पे है ना और उत्तर प्रदेश जो है साथियों वो सबसे ज्यादा जो जी आई टैग के मामले में इसको 48 मिला है 48 एट जी आई टैग मिला है रिसेंटली तीन मिले थे और सबसे ज्यादा किसको मिला है तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा जी आई टैग इस राज्य को रजिस्टर्ड है तमिलनाडु को 55। उसके बाद किसको मिला है भाई कर्नाटक को किसको मिला है कर्नाटक जी आई टैग के मामले में तीसरे नंबर पर जिसे फोर्टी सिक्स टैग प्राप्त है तो ये तीनों बातें हम लोग यहाँ पे जानकारी रखेंगे हाल ही में तीन उत्पादों पे यूपी को प्राप्त हुआ है तो तीन उत्पादों के साथ यूपी दूसरे नंबर पे आ गया और बाकी कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया इसने नेक्स्ट है कि देश में एप्पल का स्थानीय आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कौन बन गया है टाटा है ना अब भारत में टाटा का जो लोहा है आयरन जो है इसका लोहा वो केवल कार में नहीं दिखेगा अब हमें स्मार्टफोन में भी दिखेगा आगे प्रश्न होगा वैश्विक स्तर पर 46 सिक्स सिटीज में छियालीस शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई किस स्थान पे आता है मतलब घरों की कीमत बढ़ने के मामले में मुंबई कहाँ पर है तो भाई सत आ, भा, मुंबई आता है सिक्स रैंक पे ना छठे नंबर पे न्यूयॉर्क इत्यादि वो सी आ, ये हॉन्गकोंग पहले दूसरे नंबर पे आते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को किसने सम्मानित किया है एन चंद्रशेखरन को हाल के दिनों में सम्मानित किया था फ्रांस ने किसने सम्मानित किया तो है ट्रांसपोर्ट डे के रूप में, में कब मनाया जाएगा इसकी घोषणा हुई है <coughs> तो यह दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर को इसके हाल में घोषणा की गई है आगे सवाल है बताओ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा की टर्निंग ऑफ द टैप टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण में किस वर्ष तक 80 प्रतिशत तक की कमी देखने को मिल सकती है तो साथ साथियों 2040 का लक्ष्य है जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन होता है उसकी कमी हम लोग देख सकते हैं कितना तो 2040 तक हम लोग उसमें कमी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट है कि बताओ यूके फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है यूके फिल्म फेस्टिवल में जल्दी से देखोगे चलिए तो क्या नाम है उस फिल्म का भगवान भरोसे <laughs> क्या नाम है स्टूडेंट फिल्म का भगवान के भरोसे है ना उस फिल्म को यहाँ पे बेस्ट अवार्ड मिला है जी ट्वेंटी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक इस शहर में हुआ है तो साथियों ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर हुआ है जल जीवन मिशन ने देश में 12 करोड़ लोगों को जल से नल का कनेक्शन दिया है पूछा जा रहा है कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था तो साथियों प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना नल से जल देना है हर घर को उसके लिए 2019 में इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा करी है तो साथियों लखनऊ में इसकी स्थापना होगी कहाँ पे किया जाएगा लखनऊ में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत किया है पहल ये ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है इसे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है आप में से कई बच्चे होंगे जो इस बार यूपी पी के लिए जा रहे होंगे ना यूपी पी के लिए कितने लोग हैं जो जा रहे हो उसके लिए ये सब सवाल बहुत खास है ऑनलाइन ग्रामीणों को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत किसने किया है आगे सवाल है भारत में चक्रवात मोचा से तबाही हुआ है पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन करुणा किस लिए शुरू हुआ था तो साथियों म्यांमार में लोगों को बचाव के लिए ना म्यांमार में जो लोग चक्रवात के चपेट में आ गए थे उन्हें बचाने के लिए हमने शुरू किया था करुणा प्रोग्राम ऑपरेशन करुणा आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश में ऊना में 500 करोड़ रुपए की एक एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा तो साथियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये जो है स्थापित करने का यहाँ पे घोषणा कर रहा है कहाँ पे स्थापित होगा ऊना में अगला सवाल किस कंपनी ने भारतीय नौसेना की कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 फाइव आर्ड ग्यारह की छठी पंडुबी का निर्माण किया है कंपनी का नाम क्या है तो साथियों उस कंपनी का नाम हमारा हो जाएगा कंपनी का नाम है मजगाव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर स्थित है मुंबई में जो स्थित है उसने यह निर्माण किया है आगे सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वच्छ नोट नीति के तहत इस नोट को वापस लेने का निर्णय लिया है तो भारत में जो चलने वाला सबसे बड़ा नोट जो था दो हजार का उसे भारत सरकार के द्वारा वापस लेने का यहां पे घोषणा किया गया है सॉरी भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ना भारत में मनी बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रही है आरबीआई नोटों को वापस कौन ले लेगी आरबीआई तो करेक्ट जानकारी हमारा हो गया आरबीआई आगे फिर से सवाल कि बताओ भारतीय नौसेना के कौन से जहाज को तैरते हुए प्रशिक्षण के लिए सऊदी कैडेटों के मेजबानी कर रहा है तो भारत का जो जहाज जो वहां पे मेजबानी कर रहा है उसका नाम है आई एन एस तीर एंड सुजाता अगला सवाल बताओ तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पहली अंतर मंत्रालय की बैठक कहां हुआ है इंटरनेशनल कमेटी इसकी बैठक साथियों कहां पे की गई है तो यह बैठक हुआ है नई दिल्ली में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नाम की एक नई पुस्तक को लॉन्च किया गया है इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है तो साथियों के जाने माने हैं उसके द्वारा इस पुस्तक को साथियों लॉन्च किया गया है आगे देखिए सवाल क्या है अमेरिकी अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाली दक्षिण एशियाई महिला का नाम क्या है प्रतिमा भुल्लर महिलाओं में दक्षिण एशिया में साउथ एशिया की महिला जो सबसे सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है हुल्लर साहब नेक्स्ट है ने कि लुडोविड ओडोर इस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया वाक्या कहाँ कहाँ ये कहा, कहा हो जाएगा साथियों स्लोवाकिया वाक्या <coughs> चलिए के बाद है कि बताओ किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ है साउथ एशियन एशिया भर का ही चैंपियनशिप चाहते हो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगला सवाल है कि हाल ही में जारी सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष देश कौन बन गया है तो दुनिया में सबसे फास्ट इंटरनेट मोबाइल का जो स्पीड है वो कतर में रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ चाहते हो कतर के अंदर कहाँ पे तो कतर के अंदर आगे सवाल होगा भारत के किस रा, राज्य में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है स्काई वॉक पुल कहाँ बनाया गया है बनाया गया है तमिलनाडु में हाल ही में कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो ये मेजबानी इस बार भारत कर रहा है आगे फिर से सवाल कि ओलंपियन अनुरानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम फेडरेशन कप 2023 एथलेटिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है पूछा जा रहा है कि अनुरानी का संबंध किससे है निश्चित रूप से उनका संबंध किससे होगा तो हॉकी से होगा ना कि, किससे उनका संबंध होगा हॉकी से या जैवलिन थ्रो से माफी चाहूंगा स्टूडेंट हॉकी से नहीं ऑब्वियसली जैवलिन थ्रो से बड़ा फेमस नाम है ये जैवलिन थ्रो से अनुरानी का आगे सवाल है बताओ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है इसका कोई पार्टिकुलर डेट नहीं है बल्कि इसमें लोग क्या देखते हैं कि हम लोग एक पार्टिकुलर डेट के अलावा जो है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष थर्थ फर्स्टडे को मई के तीसरे गुरुवार को भारत और किस देश ने पचास स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू किया है भारत की पचास स्टार्टअप दूसरे देश की पचास स्टार्टअप एक दूसरे को हम लोग आइडिया यहाँ पे शेयर करेंगे उसको एक्सचेंज करेंगे इसकी शुरुआत किसके साथ हम लोगों ने किया है तो भाई बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश साथ अभी देखोगे ना अलग अलग रिपोर्ट में देखिएगा तो बांग्लादेश बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है एशिया के अंदर बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था डेवलप कर रहा है भारतीय सेना के किस राज्य में मानस नदी पर हगरा हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत की शुरुआत हुई है बिहार और निजात कैसे पाया जाए जा, उसको लेकर आसाम में यह जल राहत कार्यक्रम को शुरू किया गया है यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं मनोज सोनी हम लोगों ने कल भी इसके बारे में चर्चा किया है अजरबैजान बाकू में आयोजित चैंपियनशिप में चार पदक जीत करके भारत का स्थान क्या है इंडिया किस रैंक पे है इसमें चार पदक जीत करके तो इंडिया साथियों इसमें सेकंड रैंक पे पे आ गया चाइना मैंने फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ केंद्र सरकार ने किस किसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है तो साथियों उस संबंधित पर्सनैलिटी का नाम है रवनीत कौर क्या नाम है साथियों उनका तो रवनीत कौर को बनाया गया है सीसीआई कैबिनेट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किस संस्था ने हंड्रेड डेज हंड्रेड पेज मैं इसका कॉमेंट में आपका उत्तर चाहूंगा एक एक बच्चे का उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कल हमने इस पे चर्चा किया था हंड्रेड डेज हंड्रेड पेज भारत में उन तमाम खातों जिनका कोई भी रिपोर्ट करने वाला नहीं है कि भाई इस खाते का पैसा किसका है उसके लिए इसकी कार्यक्रम की शुरुआत साथियों ने किया था किसने किया है RBI ने सी कर रहे हो गलत हो जाएगा ना आरबीआई ने यह कार्यक्रम पे शुरू किया है आगे सवाल है बताओ हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्री ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो साथियों यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ा हुआ टर्म है किससे जुड़ा हुआ टर्म है साथियों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से किससे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से ठीक है तो टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न देख लिए 180, 150 प्रश्न एक प्रश्न ना अब अभी 100 क्वेश्चंस और बचे हुए क्या कर लेना है ये छोड़ देना है कितने लोग करना चाहते हो एक बार कमेंट करके बता देना देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ साथ तो ये जो हमारा सेशन है वन सेशन वन मंथ आमतौर पे ये सेशन लंबा होना ही है हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हाँ टॉप चालीस पचास क्वेश्चन कर लिए तो हमारा प्रयास है कि एग्जाम से पहले चूँकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाला है यूपी पी है जे है आगे चल करके बी की परीक्षा होने वाली है तो जितने भी एग्जाम्स है वहाँ पे सारा करंट अफेयर्स हमारा काम करेगा और उसके लिए हम लोग इस सीरीज़ के यहाँ पे शुरुआत किए हैं तो बिल्कुल तो अब इस सेशन में फिलहाल इतना ही डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है हाँ कुछ बच्चे एकदम घबरा गए हैं कि तो और कितना क्वेश्चन है हम तो अभी तक रास्ता नहीं किए ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं क्या बात कर रहे हैं आप और थोड़ी पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है एक अच्छे सवाल जो इसके अंतर्गत थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली ठीक है बस एक सवाल थे बस मैं आपका हौसला चेक करना चाहता था आपकी हिम्मत का मैं चेक करना चाह रहा था तो भाई आप के के बच्चे हो तो हिम्मत तो कूट कूट के भरा हुआ है ना खान सर क्या कहते हैं खान सर का एक लाइन बहुत तगड़ी तगड़ी लाइन बोलते हैं भी पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं उन्होंने क्या बोला है कि मुश्किल उसी के जीवन में आता है ना जो व्यक्ति ज्यादा हुनरमंद होता है तो अभी जिस परीक्षा में जिस तैयारी में हम और आप लगे हुए हैं उसके अंतर्गत क्या देखते हैं लाखों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैकड़ा में सिलेक्शन होगा लेकिन उसी का सिलेक्शन होगा जो आज सही दिशा में कठोर मेहनत करेगा कठोर मेहनत करने से भी रिजल्ट नहीं होता अगर आपका डायरेक्शन गलत होता है पैसेंस रखना है और जम करके हम सबको यहाँ पे तैयारी करनी है तो आज इस सेशन में फिलहाल इतना ही वापस कल आठ बजे हम लोग जुड़ेंगे और कल हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल 2023 है ना अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को बहुत मजे से हम लोग यहां उसे पढ़ेंगे तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही थैंक्स टू ऑल ऑफ यू